हेलो प्यारे बच्चों सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण राधे राधे तो वेलकम टू तो दिस चक्रव्यू सेशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यहां हम करने वाले हैं टॉप फाइव पी क्यूज ऑफ जय एडवांस इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें आप इस वीडियो को देखना शुरू करें एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि एक नोटबुक और एक पेन के साथ ही बैठिएगा इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और अगर मुझसे पहले कर लें यानी वीडियो को पॉज करके अगर कर आप खुद करने की कोशिश करें तो और भी अच्छा है और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिए ताकि आप हर स्टेप को समझ पाए हर स्टेप की बारीकी को समझ पाए और साथ साथ जो से लर्निंग्स हैं वो आपके दिमाग में डेफिनेटली कुछ अच्छे आइडियाज़ के फॉर्म में आपके दिमाग में कैद हो जाए जिनको आप लेटर ऑन कुछ और अच्छे सवालों को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकें तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की कार्यवाही ये रहा पहला सवाल एंड दिस वॉज इन जई एडवांस दो हज़ार दस आई आई टी जेई टू थाउजेंड टेन उस समय समय तो एडवांस नाम की चीज़ शायद नहीं थी तो आई टी जे टू थाउजेंड टेन में पूछा गया सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी यानी एफ कहाँ डिफाइंड है जीरो से इन्फिनिटी में डिफाइंड है ये उसकी डोमेन है और एल एन एक्स प्लस इंटीग्रल ज़ीरो टू एक्स Under root of 1 plus sine t dt, then which of the following statements is true? f double dash x exists for all x, f dash x exists for all x in 0 to infinity, f dash continuous hai, lekin 0 to infinity mein derivable nahi hai, but not different derivable on 0 to infinity. Here is bad there exists an alpha greater than 1 such that mod of f dash is less than mod of f, and there exists beta such that mod of f plus mod of f dash is less than equal to beta for all. एक्स इन जीरो टू इनफिनिटी यानी हमें देखना इनमें से कौन सा पार्ट सही है और क्योंकि ऊपर लिखा इज या आर ट्रू तो इसका मतलब यह सवाल वन और मोर देन वन करेक्ट टाइप है तो सबसे पहले यहां पर डेरिवेटिव करें एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव करने के लिए मैं आपको छोटा सा बात बता दूं कि अगर कभी भी मेरे पास एक फंक्शन हो एफ टी डी टी और मुझे उसकी लिमिट जो हो वो कुछ इस तरह से हो जी एक्स से एच एक्स और मुझे उसे डिफरेंशियट करना हो तो डेफिनेटली एक्स के रिस्पेक्ट में तो डेफिनेटली आप समझते हैं करेंगे, करेंगे तो न्यूटन लेविन फॉर्मुला कहता है इंटीग्रेट करो फिर ये वैल्यू पुट करो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और फिर डिफरेंशिएट करने से अच्छा है आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं कैसे एफ ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स माइनस एफ ऑफ जी एक्स इन जी डैश ऑफ एक्स सो दिस कॉल्ड न्यूटन लेबिनीज़ फॉर्मूला एंड विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन डिफरेंशिएट डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट्स आर अ फंक्शन ऑफ एक्स जैसे कि यहां पर अगर आप देखें तो यहां जो लिमिट है वो फंक्शन ऑफ एक्स है ठीक है तो आप इसे डिफरेंशियट कर सकते हैं शर्त बस इतनी सी है कि जो एफ टी है ये कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए अगर ये फंक्शन है और जी और एच दोनों डिफरेंशियबल फंक्शन है तो न्यूटन कैन बी अप्लाइड अब जरा एफ की तरफ बढ़ते हैं तो न्यूटल राइट डाउन एफ एक्स एफ एक्स जो हमारे पास है वो है इंटीग्रल वो है इंटीग्रल ऑफ एल एन एक्स वह है एल एन एक्स प्लस इंटीग्रल जीरो अंडर रूट ऑफ प्लस तो से ही सब कुछ है वहां पर एफ डैश एक्स निकालते हैं वन अपॉन एक्स प्लस अपर लिमिट इन द फंक्शन रूट ऑफ वन प्लस एक्स इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट इन द फंक्शन लोअर लिमिट का डेरिवेटिव क्योंकि कांस्टेंट है तो जीरो आ जाएगा यानी कि जो डेरिवेटिव आ गया वो आ गया वन अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स और ध्यान रखिएगा एक्स की जो रेंज है जो डोमेन है मतलब फंक्शन की वो जीरो से इन्फिनिटी है तो एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी अब ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन में है एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स जीरो देखे गौर से विच एग्जिस्ट हम कह सकते हैं विच एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ये एग्जिस्ट तो करता है अच्छा एफ डैश कंटिन्यूअस है कि नहीं है बिल्कुल सर एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस भी है एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स एंड इज कॉन्टिन्यूस इन जीरो से इनफिनिटी में है ना इन एक्स बिलोंगिंग टू जीरो में कंटिन्यूस है क्यों क्योंकि वन अपऑन एक्स डिसकंटिन्यूस होता सिर्फ जीरो पर लेकिन जीरो तो डोमेन में है ही नहीं और रूट ऑफ वन प्लस साइन एस ये तो हमेशा कंटिन्यूस होगा ही क्योंकि वन प्लस साइन एक्स इज अ नॉन नेगेटिव फंक्शन है ना तो रूट हमेशा डिफाइंड होगा और वन प्लस साइन एक्स वैसे भी नहीं टूटता तो इसलिए हम कह सकते हैं वन अपॉन एक्स कंटिन्यूअस है रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स कंटिन्यूअस है तो दो कंटिन्यूअस फंक्शंस का जो सम है वह है भी कंटिन्यूअस होगा तो यहां पर एफ डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स हाँ ठीक है एफ डैश इज कंटिन्यूस जीरो टू इन्फिनिटी यह भी ठीक है बट नॉट डिफरेंशियबल और यहां ऊपर एफ डबल डैश एक्स एक्जिस्ट तो एफ डबल डैश एक्स की अगर मैं बात करूँ तो एफ डबल डैश एक्स कम्स आउट टू बी माइनस वन अपॉइन एक्स स्क्वायर फिर प्लस वन स्क्सॉइन टू रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स इन टू कॉस एक्स क्या यह डेरिवेटिव हर जगह एग्जिस्ट करता है ऑन जीरो टू तो इंफिनिटी नहीं डज नॉट एग्जिस्ट जब यह जीरो बन जाएगा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू फोर एन माइनस वन पाई बाई टू क्योंकि साइन की वैल्यू माइनस वन होती है फोर एन माइनस वन पाई बाई टू पर तो ये सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता फॉर ऑल एक्स यानी वहां जो लिखा था इसका मतलब क्या हुआ हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल कहां पर इज नॉट डिफरेंशियबल इन जीरो से इंफिनिटी क्योंकि कोई फंक्शन किसी इंटरवल ओपन इंटरवल ए टू बी में डिफरेंशियबल तब कहलाता है जब उसके हर पॉइंट पर डिफरेंशियबल हो लेकिन जब हम यहां बात करें फोर जीरो से इन्फिनिटी में जब हम बात करते हैं तो ये जीरो टू इन्फिनिटी में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जहां पर ये डिफरेंशियबल नहीं होगा यहां ध्यान रखिएगा एन क्या होगा एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्योंकि जो बात चल रही है अभी हमारी वो सिर्फ जीरो से इन्फिनिटी में ही चल रही है तो एन को वन रखेंगे थ्री पाई बाई टू आएगा फिर थ्री uh, के बाद एन को टू रखेंगे तो सेवन फाइव इस तरह के पॉइंट्स पर यह डेरिवेबल नहीं होगा तो यहां से पता चला यह है पार्ट गलत है यह है पार्ट सही है तो ए एंड बी आर का हमने हिसाब कर लिया कि भैया ए गलत है और बी सही है अब कैलकाटा पर आते हैं देर एग्जिस्ट अल्फा ग्रेटर देन वन सर एफ डैश एक्स का मॉड इज लेस देन एफ एक्स का मॉड

प्लस मॉड ऑफ एफ डैश एक्स लिखू मॉड ऑफ एफ डैश एक्स तो मॉड ऑफ एफ एक्स क्या है भाई सर वो था एल एन एक्स प्लस इंटीग्रल जीरो टू एक्स एक्स रूट ऑफ वन प्लस साइन साइन टी इसका मॉड्यूलस और प्लस एफ डैश एक्स का मॉड वो हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स और यह हमें देखना है फॉर ऑल एक्स जीरो टू इंफिनिटी में क्या हम कोई ऐसा बीटा ढूंढ पाएंगे कैन वी फाइंड अ बीटा सच ये उस बीटा से हमेशा छोटा रहे फॉर ऑल एक्स इन जीरो से इनफिनिटी फॉर ऑल एक्स इन जीरो बीटा ढूंढ पाएंगे तो जरा देखते हैं कि ये एक तरीके से अपर बाउंड की तरह काम करे बीटा यानी बीटा शुड बी लाइक एन अपर बाउंड टू सम यानी कि ये वैल्यू कभी भी बीटा से ऊपर ना जाए कि ऐसा बीटा मिलेगा तो यहां गौर से देखिए यहां गौर से ऑब्जर्व करिए एज एक्स टेंड्स टू जैसे जैसे एक्स जीरो की तरफ बढ़ेगा है ना जीरो तो हो नहीं सकता लेकिन जैसे जैसे एक्स जीरो प्लस तो आप देखें ये वाला जो पार्ट है ये जाएगा माइनस इंफिनिटी की तरफ एंड दिस विल गो फ्रॉम जीरो टू जीरो सो दिस इंटीग्रल विल वैनिश इट विल गो टू जीरो तो मैं कह सकता हूं मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ डैश एक्स में ये जा रहा है माइनस इंफिनिटी क्योंकि zero plus पर आप देख सकते हैं का का ग्राफ ग्राफ कैसा बनता है है so, है ऐसा होता तो तो so, के positive में it will go to minus infinity. लेकिन क्या लगा तो इसलिए यह पूरा का पूरा जाएगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ ये पूरा का पूरा जाएगा प्लस इंफिनिटी की तरफ क्योंकि इंटीग्रल की वैल्यू किधर जाएगी जीरो की तरफ फिर एफ डैश एक्स की बात करते हैं जीरो प्लस पर दिस विल गो टू तो इंफिनिटी दिस विल गो टू इन्फिनिटी एंड दिस शैल गो टू वन इसका मतलब यह भी कहा जाएगा सर इंफिनिटी की तरफ जाएगा प्लस इंफिनिटी इसका मतलब मैं कह सकता हूं दिस टेंस टू प्लस इंफिनिटी यानी कि इसकी वैल्यू जीरो के जस्ट थोड़ा सा आगे चलेंगे जीरो की नेबरहुड में यह वैल्यू एकदम कहा जाती है इट टेंड्स टू इन्फिनिटी तो क्या कोई बीटा ऐसा पॉसिबल होगा जिसके लिए यह हमेशा बीटा से छोटा हो दिस एम्प्लाइज There exists, there does not exist, there does not exist any beta greater than 0 such that, आ, there exists any beta greater than 0 such that mod of fx plus mod of f dash x is less than equal to beta for all x in 0 to infinity. क्योंकि जीरो के नेबरहुड में तो ये वैल्यू फ्लोट करके या फिर एकदम एक्सपोनेंशियली एक, एक तरीके से कह सकते हैं बहुत तेजी से राइज करके की तरफ बढ़ती है तो कोई भी बीटा इसका अपर बाउंड हो ही नहीं सकता क्योंकि ये जा रहा है कहां तक इन्फिनिटी तक तो फोर वी कैन से वी कैन से विच पार्ट इज रॉन्ग वी कैन से द डी पार्ट इज रॉन्ग सो so, डी पार्ट गलत हो गया डी पार्ट में लिखा था लेस देन इक्वल टू बीटा कोई बीटा ऐसा मिलेगा नहीं मिल रहा अब आते हैं सी पार्ट की तरफ देर एग्जिस्ट अल्फा ग्रेटर देन वन

ऑल एक्स इन अल्फा से इन्फिनिटी। यानी यहां ये यह कह रहा है कि कम से कम कोई एक बीटा जरूर मिलेगा वन से बड़ा जहां पर एफ डैश का हमेशा एफ एक्स के मॉड से कम रहेगा तो यार अगर ये हमेशा इससे ज्यादा रहेगा और हमें एक ऐसा अल्फा ढूंढना है जिस पर ऐसा ये इससे ज्यादा रहे तो क्यों ना इन दोनों का डिफरेंस ले लें क्योंकि अगर इफ आई टेक है ना कंसिडर क्या कंसिडर कर लें कंसिडर जी एक्स विच इज एक्टर मॉड एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स का मॉड तो मुझे एक तरीके से प्रूव करना है अगर आप सी पार्ट देखें अगर सी पार्ट सही है तो मुझे एनालाइज करना है कि यह जो डिफरेंस है यह हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर सम अल्फा ग्रेटर दैन वन दैट इज वॉट वी हैव टू लुक एट तो यह हमेशा हमें प्रूव करना है कि जी डैश टू प्रूव क्या टू चेक टू चेक जी एक्स लेस देन अल्फा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जीरो से इनफिनिटी लेसरोसरोसो फॉर ऑल एक्स फ्रॉम अल्फा टू इनफिनिटी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सम अल्फा टू इनफिनिटी वेर अल्फा इज ग्रेटर देन वन ये चेक करना है ये हमें चेक करना है ये सही है या गलत है तो चलिए चेक करते हैं अगर मैं फिर से जी एक्स पिछली बार हमने सम किया था अब क्या करना पड़ेगा अब डिफरेंस लेना पड़ेगा जी एक्स ये था इंटीग्रल जीरो माइनस वन, टी, टी, वन अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स ये है ठीक है तो नाउ वी हैव टू चेक क्या ऐसा संभव है चलो देखते हैं एक चीज देखिए अगर अल्फा जीरो से बड़ा है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है दिस इज ऑलवेज नंबर दिस नेगेटिव नहीं होगा तो ये तो इट इज़ खुल जाएगा। ये किसके लिए फॉर ऑल एक्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ये तो मॉड ऐसे कैसे खुलेगा अब इधर बात करें अगर मैं एक्स को अभी के लिए वन से बड़ा ले लूँ, वन से बड़ा तो ये कैसा होगा सर ये होगा जीरो से बड़ा क्योंकि लॉग वन की वैल्यू लॉग का ग्राफ आपने देखा है मैं फिर से दिखा देता हूं लॉग का ग्राफ वन पर जीरो होता है तो अगर मैं X को से बड़ा ले लूं तो डेफिनेटली नंबर जीरो से बड़ा होगा और जीरो से वन तक का जो इंटीग्रल होगा अगर एक्स को वन से बड़ा ले रहा हूं जीरो से आगे कोई भी इंटीग्रल होगा ये फंक्शन जो है पॉजिटिव फंक्शन है डेफिनेट इंटीग्रल से हमें एक तरीके से मिलता है एरिया तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर रहने वाला है और जब ऊपर रहने वाला है तो डेफिनेटली जो एरिया आएगा वो पॉजिटिव आएगा जीरो से लेकर एक्स तक ठीक है तो कहने का कुल मिलाकर तात्पर्य यह है कि जी इज इक्वल टू एल एन प्लस रूट ऑफ जीरो टू एक्स वन प्लस साइन टी डी टी यहां मैं लिख सकता हूं फॉर ऑल एक्स वन से इन्फिनिटी है ना वन से इन्फिनिटी One से इन्फिनिटी में क्यों ये तो जीरो से इन्फिनिटी में पॉजिटिव था ये ये तो बाहर ऐसी आ गया, लेकिन ये वन से इन्फिनिटी में कैसा है पॉजिटिव है तो ये हट गया लेकिन मुझे तो ये देखना है क्या ये हमेशा नेगेटिव रहता है। नेगेटिव या ये भी चेक कर लेना यार सर पॉजिटिव देखना चाहिए तू तो चेक जी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो करना है हमें ठीक है हाँ तो क्या किया जाए सर अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिख लूं एल एन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स फिर प्लस इंटीग्रल जीरो से एक्स रूट ऑफ वन प्लस साइन टी डी टी माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस साइन एक्स का रूट साइन एक्स का रूट साइन एक्स का रूट है यार ठीक है ये है तो अगर मैं अब इसको देखूं अगर मैं अब इसको देखता हूं तो अगर मैंने एक्स को आ, सर ये नंबर अगर मैं एक्स को किससे बड़ा ले लूं सर एक्स को अगर मैं ई से बड़ा ले लूं है ना इफ एक्स इज ग्रेटर देन ई अगर मैं अब एक्स को ई e से बड़ा लूं वंस से इन्फिनिटी पे सारा होल्ड करता है अगर वंस से इन्फिनिटी पे होल्ड करता है तो ई e से बड़े पर एक्स को ई e से बड़ा लिया तो आप देखो ये नंबर क्या होगा वन से बड़ा और ये नंबर क्या होगा सर वन e से छोटा यानी वन से छोटा जीरो और वन के बीच में तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन ये पूरा ब्रैकेट कैसा हो जाएगा सर पॉजिटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव दिस विल बी पॉजिटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है और अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं इसकी रूट ऑफ दिस ई से बड़े पर बात कर रहा हूं एक्स ग्रेटर ई तो उस केस में यहां पर और यहां अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है कितनी भी जान लगा ले सर लेक्सिम रूट टू तक जा सकता है मैक्सिमम रूट टू तक जा सकता है मैक्सिमम रूट टू तक जा सकता है इससे ऊपर जा नहीं सकता ये कैन बी मैक्सिमम रूट टू तो ये ब्रैकेट तो पॉजिटिव हो गया ये हमेशा मैक्सिमम से मैक्सिमम बढ़ से मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी भी जान लगा ले रूट टू से ज्यादा औकात नहीं है इसकी अब बचा ये वाला पार्ट यह वाला हमने एक्स को ई e लिया है ठीक है ना एक्स को हमने कितना लिया ई e लिया ठीक है हम्म, अगर मैं देखूं, वन प्लस साइन टी वन प्लस साइन टी जो होगा है ना वन प्लस साइन टी वन प्लस साइन टी जो लिखा हुआ है अगर वन प्लस साइन टी देखा जाए एक्स है जीरो से टी है जीरो से एक्स के बीच में तो वन प्लस साइन टी की जो वैल्यू है अगर मैं इसको आ, क्या ये रूट टू को पार कर जाएगा किसी कभी सर अगर हम जीरो से कहाँ तक देखें सर जीरो से पाई बाई टू देखें जीरो से पाई बाई टू इफ आई लुकेटेड फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू में जीरो टू पाई बाई टू में है ना जरा ध्यान से सुनना अगर मैंने इसको लिखा जीरो से पाई बाई टू के बीच में जरा यहाँ पर देखो अगर मैंने एक्स को लिया पाई बाई टू अगर मैं एक्स को फाइव बाई टू लेता हूँ तो रूट ऑफ वन प्लस साइन टी वन प्लस साइन टी पक्का वन से तो बड़ा होगा ही वन से तो बड़ा होगा है ना हाँ वन से बड़ा मतलब रूट टू आएगा वैसे तो देखा जाए लेकिन डेफिनेटली ये वन से बड़ा होगा है ना तो इस केस में क्योंकि जीरो से पाई बाय टू का जीरो से पाई बाय टू अगर मैं देख रहा हूं सिर्फ किसको वन प्लस साइन टी के इंटीग्रल को डी टी तो डेफिनेटली ये बड़ा होगा जीरो से पाई बाई टू

तो एक्स को ले रहा हूं पाई बाई टू तो अगर मैं एक्स को फिक्स कर लेता हूं पाई बाई टू है ना पाई बाई टू पर मैं इस इंटीग्रल की वैल्यू वैल्यूलट करने की कोशिश कर रहा हूं और ये देखना चाहता हूं क्या ये रूट टू से बड़ा रहेगा उससे क्या होगा थोड़ी देर में समझ में आएगा तो अगर ये जीरो से पाई बाई टू में इसकी वैल्यू देखता हूं तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्योंकि साइंटी पॉजिटिव होगा तो ये वन से बड़ा होगा तो ये जब वन से बड़ा होगा तो इसका इंटीग्रल भी वन के इंटीग्रल से बड़ा होगा क्यों आप समझते हैं इतना तो फिजिक्स में ही पढ़ रखा आपने कि इंटीग्रल से क्या मिलता है इंटीग्रल गिव्स यू द द एरिया एरिया अंडर कर्व है ना हाँ, दर्स एसटी ग्राफ में वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सब आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट वगैरह में तो जीरो से पाई बाई टू के बीच में ये ग्राफ ऊपर है ये वन प्लस मतलब ऐसी रफली बनाया मैंने ये बनायान है तो डेफिनेटली ये इंटीग्रल ज्यादा आएगा और ये कितना आ गया सर ये आ गया पाई बाई टू यानी कहने का मतलब है जीरो से पाई बाई टू जीरो से पाई बाई टू रूट ऑफ वन प्लस साइन टी डी टी बड़ा होगा पाई बाई टू से जो के बड़ा है रूट टू से रूट टू था वन पॉइंट फोर वन फोर फाइव बाई टू होगा वन पॉइंट फाइव समथिंग तो ऑब्वियस बात है ये रूट टू से बड़ा है सिर्फ जीरो से पाई बाई टू के बीच में और अगर मैं देखू अगर मैं देखू जीरो से लेकर अगर मैं यहां पर कोई भी x ले लूं जो कि e से बड़ा हो जो कि e से बड़ा हो जो कि e से बड़ा हो तो रूट ऑफ वन प्लस साइन टी से भी बड़ा आएगा सोचो क्यों सोचो क्यों जीरो से x तक है ना रूट ऑफ वन प्लस साइन टी डी टी से भी बड़ा होगा सोचो क्यों यहां पर अगर यह फाइव बाई टू तक इतना एरिया आ गया है ना ये पाई बाई टू तक किससे बड़ा आ गया ऑब्वियस बात है ये पाई बाई टू तक जो एरिया आया वो आ, पाई बाई टू से ही बड़ा आ गया अगर मैं ई से भी बड़ा ले लेता हूं एक्स को तो भले ही फंक्शन इसके बाद कुछ बढ़ेगा है ना या घटेगा जो भी होगा लेकिन रहेगा पॉजिटिव तो डेफिनेटली एरिया जो आएगा इसके अंडर वो ज्यादा ही होगा मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा इंटीग्रेशन मीन समेशन पहले आपने सिर्फ जीरो से पाई बाय टू का एरिया निकाला वो आया रूट टू से बड़ा अब मैं कह रहा हूं आप एक्स को क्या रख दो एक्स को ई से भी बड़ा कुछ नंबर सोच लो तो अगर जीरो से एक्स इंटीग्रेट करता हूं तो और जहां एक्स ई से बड़ा है और ई किससे बड़ा है पाई बाय टू से भी बड़ा है टू पॉइंट सेवन वन एट और पाई बाई टू वन पॉइंट फाइव सेवन तो आप देख सकते हैं कि जीरो से लेकर एक्स तक का जो इंटीग्रल होगा समेशन होता है तो जीरो से पाई बाई टू तो उसके अंदर आ आए ही आएगा और फिर पाई बाय टू से जब आगे ई तक का एरिया होगा वो भी ज्यादा वो भी उसके अंदर एड ऑन होगा तो वैल्यू और ज्यादा आएगी क्योंकि ये फंक्शन कैसा है हमेशा पॉजिटिव है रूट ऑफ वन प्लस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फंक्शन है ना इट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव फंक्शन टू बी वेरी प्रिज इट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव फंक्शन तो t का इंटीग्रल जब करेंगे पूरा जीरो से एक्स तक जहां एक्स e से बड़ा है तो पक्का यह है जीरो से फाई बाई टू से बड़ा होगा तो अब मैं कह सकता हूं हेंस जो जीएक्स मेरे पास आया जो जी एक्स मेरे पास आया दिस इंप्लाइज ये समझ में गया आ गया भाई फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ई ख्याल से क्लियर हो गया होगा तो अब मैं कह सकता हूं दिस इंप्लाइज जो मेरे पास जी एक्स है वो था आ, कितना एल एन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स हाँ सर और प्लस इंटीग्रल जीरो से एक्स रूट ऑफ वन प्लस साइन टी माइनस डी टी माइनस रूट ऑफ वन प्लस साइन एक्स तो मैं यहां ये कह सकता हूं ये वाला ब्रैकेट सब पॉजिटिव देगा ये वन से बड़ा ये वन से छोटा और यह भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये कितना भी जोर लगा ले रूट टू से ऊपर नहीं हो सकता और जीरो से लेकर एक्स तक अगर मैं कहूं तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ई से इन्फिनिटी है ना हाँ फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ई से इन्फिनिटी बिल्कुल सर जी ई e से इन्फिनिटी के बीच में ये हमेशा क्या होगा सर ये हमेशा पॉजिटिव होगा इसका मतलब मैं कह सकता हूं जी एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ई टू इन्फिनिटी है ना हा तो वो क्या था सर मॉड एफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ डैश एक्स इज लेस दैन इज ग्रेटर दैन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ई से इंफिनिटी आंसर हो गया यानी हमने पास आ गया एफ एक्स मॉड ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर दैन मॉड ऑफ एफ डैश एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ई से इनफिनिटी एफ एक्स इज ग्रेटर देन हाँ यही आ गया भाई तो इसका मतलब क्या यह जो लिखा हुआ है वह सही है देयर एग्जिस्ट सम अल्फा ग्रेटर देन वन सो दैट मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेन बिल्कुल सही है देर फोर द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे एंड कलकत्ता. सो दिस वॉज अ गुड प्रॉब्लम इन दिस केस बहुत अच्छा सवाल था एनालिसिस आपने देखी कैसे कैसे हमने इसकी एनालिसिस की ठीक है एग्जाम में देखते हैं तो खटाखट हो जाता अगला सवाल देखो यह भी एक बहुत अच्छा और प्यारा सवाल है यहां पर लिखा है क्वेश्चन जे एडवांस का है दो में आया था यहां पर लिखा है टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यू आर करेक्ट एफ डैश हैज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू वन एफ इज इंक्रीजिंग ऑन जीरो टू माइनस से डैश इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू वन एफ इज ऑन टू तो इस फंक्शन के बारे में हमें देखना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है अगर आप इस क्वेश्चन को देखें यहां पर तो ये एक फाइव डिग्री पोलिनोम है ये क्यूबिक है, है और ये एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स टेन बाई थ्री और वहां एक्स माइनस टू लिखा है और ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है अगर आप इसको देखें तो एक्स की पावर फाइव फाइव एक्स की पावर फोर टेन एक्स क्यूब टेन एक्स स्क्वायर जो बच्चे थोड़ा पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम आपने देखा होगा एक्स प्लस वन की पावर फाइव का एक्सपेंशन होता है एक्स की पावर फाइव फाइव सी वन जो कि फाइव होता है एक्स की पावर फोर फाइव सी टू फाइव सी टू इज टेन विच इज इंटू एक्स क्यूब फिर फाइव सी थ्री विच इज अगेन टेन एक्स स्क्ता है 5C4, 5, X, last, 5C5 1. तो यहां पर देखा जाए तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन दो है बस यहां फाइव सी वन यानी फाइव आना चाहिए था तो अगर मैं चाहूं तो मैं एफ एक्स को ऐसे लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं एक्स प्लस वन की पावर फाइव यहाँ फाइव एक्स से ये था तो सर टू एक्स माइनस टू एक्स क्योंकि यहाँ से फाइव एक्स माइनस टू एक्स हाँ एक्स लेस देन जीरो पर यह है, है और अगर एक्स जीरो से वन है एक्स माइनस एक्स प्लस वन एक्स जीरो से वन के बीच में यह है, इस तरह डिफाइंड है और टू बाई थ्री एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस एट बाय थ्री और एक्स है वन से थ्री के बीच में और एक्स ग्रेटर देन थ्री पर इट इज डिफाइंड एज x माइनस टू एलेन ऑफ x माइनस टू और माइनस एक्स प्लस टेन बाय थ्री ये लिखा हुआ है गौर से देखिए जीरो पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है जीरो पर कंटिन्यूस है जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट वन राइट हैंड लिमिट भी वन वन पर भी कंटिन्यूस दिखाई दे रहा है वन पर कितनी आएगी वैल्यू वन और ये आ गया तीन और ये माइनस दो हाँ वन आ रहा है थ्री पर भी यह कंटिन्यूस आएगा टी पर भी ये कंटिन्यूस है चेक कर लो टी पर भी ये है कंटिन्यूस है मेरे ख्याल से आपने मेरी बात मानी होगी नोटबुक और पेन लेकर बैठे होंगे कंटिन्यूअस है यानी मैं कह सकता हूं f इज कंटिन्यूअस f इज कॉन्टिन्यूस ऑन r कॉन्टिन्यूस है पूरे r पर तो f कंटिन्यूस तो है पूरे r पर अब यहां लिखा f इंक्रीजिंग है क्या माइनस इंफिनिटी से जीरो f ऑन टू है क्या अच्छा ऑन टू की बात अगर हम करें अगर मैं ऑन टू की बात करूं तो देखो टू की बात कर लेते हैं पहले क्योंकि एफ से संबंधित यही है और एफ इंक्रीजिंग है ये भी F से है, ये भी F से ये भी F से संबंधित है और भी एफ डैश की बात कर लें। अगर देखा जाए तो माइनस इंफिनिटी पर इसकी वैल्यू कहां जाएगी x infinity, fx fx आप कहोगे कैसे देखो माइनस इन्फिनिटी पर यह माइनस इंफिनिटी जाएगा हाँ, और ये प्लस इंफिनिटी जाएगा लेकिन ये माइनस इंफिनिटी जाएगा विद अ वेरी फास्टर पेस एक्स पावर फाइव है भाई तो डेफिनेटली दिस विल ड्रैग द होल थिंग टू तो माइनस इंफिनिटी तो ये एफ एक्स पर माइनस इंफिनिटी जाएगा और जीरो पर एक्सटेंडिंग टू तो जीरो माइनस पर तो एक्सटेंडिंग टू तो जीरो माइनस पर एफ एक्स जाएगा वन की तरफ एफ एक्स जाएगा वन की तरफ तो मैं कह सकता हूं जो वैल्यू होगी क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू माइनस इनफिनिटी जा रही है नीचे माइनस इनफिनिटी और जीरो पर वैल्यू वन जा रही है जीरो पर वैल्यू जा रही है वन की तरफ तो मैं कह सकता हूं कि माइनस इनफिनिटी से जीरो बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से जीरो तो देन ये जो इंटरवल आया मेरे पास माइनस इनफिनिटी से वन ये पक्का उसकी रेंज का सबसेट होगा स इंटरवल पर रेंज वन आर वन कह देता हूं आर वन का मतलब है रेंज इन माइनस इंफिनिटी से जीरो द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इन माइनस इंफिनिटी से जीरो क्यों सर ये आपने क्यों कहा माइनस इंफिनिटी से वन इसका सबसेट होगा देखो बेटा कुछ ऐसा है जैसे माइनस इंफिनिटी पर वैल्यू माइनस इंफिनिटी जा रही है है ना फिर ये फंक्शन कहीं बढ़ रहा है घट रहा है मान लो तो बढ़ते हुए कहीं ऊपर चला गया और फिर यहां जीरो पर आकर वन पर आ गया तो आप कहोगे माइनस इंफिनिटी से सर रेंज तो ये होनी चाहिए थी हाँ, लेकिन माइनस इनफिनिटी से वन तो जो होगा वो डेफिनेटली रेंज का सबसेट होगा ना हाँ सर क्योंकि जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो या तो जीरो पर आ गई या फिर हो सकता है पहले कहीं आ चुकी हो कहीं पर आ चुकी हो कहीं पर मैक्सिमम आया हो कहीं पर मिनिमम जो भी आया हो तो हो सकता है कि जो रेंज है वो डेफिनेटली इसका क्या होगी ये जो होगा माइनस इन्फिनिटी से वन वो उसका क्या होगा सबसेट होगा क्योंकि वैल्यू जीरो पर वैल्यू वन आ रही है टेंडिंग टू आ रही है तो ही बात है तो ऑब्वियस सी बात जो फंक्शन होगा हो सकता है one से भी ऊपर गया हो कहीं बीच में ठीक है तो जो रेंज आएगी वो माइनस इन्फिनिटी से कुछ उस मान लो पांच तक गया होगा माइनस इंफिनिटी से पांच आ रही होगी लेकिन माइनस इंफिनिटी से वन भी तो उसका सबसेट होगा हाँ तो कह सकता हूं माइनस इन्फिनिटी से वन इज अ सबसेट ऑफ रेंज वन ठीक है अच्छा अगर मैं यहाँ पर आपसे थ्री पर अगर मैं इसकी बात कर लूँ इस इंटरवल की इसको देखो गौर से क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा सकता है है ना हाँ इन्फिनिटी पर अब अगला चीज देखते हैं अगर एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर एक्स इन्फिनिटी जाता है तो एफ एक्स कहाँ जाता है सर एफ एक्स जो है मेरे पास वो है एक्स माइनस टू ऑफ एक्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस टेन बाय थ्री प्लस टेन बाय थ्री तो अगर मैं इसकी लिमिट देखूं इन्फिनिटी पर तो सर इन्फिनिटी पर तो देखना पड़ेगा यार लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स माइनस टू एलेन ऑफ एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू और माइनस टू प्लस टेन बाय थ्री ऐसा लिख दू और एक्स माइनस टू को टी सोच लू तो लिमिट टी टेंडिंग टू इनफिनिटी ये हो गया टी एल एन टी माइनस टी और प्लस फोर बाय थ्री ऐसा आया हाँ तो जब टी इनफिनिटी जाएगा तो लिमिट टी टेंडिंग टू इनफिनिटी ये आ गया टी कॉमन एल एन टी माइनस वन प्लस फोर बाय थ्री तो सर ये हाँ जो वैल्यू है दिस विल गो टू इनफिनिटी दिस विल पूरा का पूरा ये भी जाएगा पूरा इन्फिनिटी और ये भी कहा टेंड करेगा सर इंफिनिटी तो so, इसका मतलब दिस वैल्यू विल टेंड टू इंफिनिटी दिस लिमिट विल बी इक्वल टू इंफिनिटी तो मैं कह सकता हूं एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी दिस टेंड्स टू इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी ठीक है फिर दूसरा बात थ्री पर वैल्यू कितनी आ रही है सर so, थ्री पर वैल्यू तो जीरो तो so थ्री पर वन बाई थ्री आ रही है थ्री पर वन बाई थ्री एंड एक्स टेंड्स टू थ्री प्लस एफ एक्स से इंफिनिटी हो तो जो रेंज आएगी जो वैल्यू आएगी है ना हाँ माइनस इंफिनिटी से वैल्यू क्या आएगी सर वन बाय थ्री से इन्फिनिटी वन बाय थ्री से इन्फिनिटी विल बी द सबसेट ऑफ रेंज टू रेंज टू यानी कि थ्री से इन्फिनिटी में जो रेंज आएगी ये डेफिनेटली उसका सबसेट होगा फिर से वही वाली बात है जैसा अभी पिछले हुआ था तो इसका मतलब क्या हुआ जो रेंज आएगी जो रेंज आएगी मेरे पास वो यहां माइनस इंफिनिटी से वन आर वन का सबसेट है और वन बाय थ्री से इंफिनिटी तो दिस एम्प्लाइज क्या कोई पॉइंट छूटा बीच में नहीं सर कोई पॉइंट नहीं छूटा इसका मतलब जो रेंज आएगी दिस एम्प्लाइज रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू आर रेंज ऑफ एफ आर हो जाएगा क्या यह क्लियर हो गया क्योंकि यहां पर वन बाय थ्री से इन्फिनिटी आ रही है वैल्यू और यहां पर माइनस इन्फिनिटी सेवन ये भी इसकी रेंज का सबसेट होगा यानी माइनस इन्फिनिटी सेवन उसके रेंज के अंदर है 1 3 से इन्फिनिटी भी उसके रेंज के अंदर है तो भैया इन दोनों का यूनियन भी उसकी रेंज के अंदर होगा लेकिन इन दोनों का यूनियन करोगे तो पूरा आर बन जाएगा यानी पूरा आर इसकी रेंज के अंदर है यानी इसकी रेंज पूरा आर ही है क्योंकि रेंज आर से बड़ी तो हो नहीं सकती तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू हो गया एफ इज ऑन टू अब एफ इंक्रीजिंग है क्या माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में तो पहले हमें निकालना पड़ेगा एफ डैश एक्स अगर मैं एफ डैश एक्स निकालू तो वो आ जाएगा फाइव देखिए समय में बहुत आराम आराम से एक एक चीज बता बता के कर रहा हूं है ना ये प्रॉब्लम अगर एग्जाम में मैं कर रहा होता तो डेफिनेटली मैं इतना कुछ नहीं सोचता काफी कुछ तो दिमाग में सोच लेते लेकिन यहां हम एक एक चीज आपको बता रहे हैं अच्छे से तो इसलिए समय थोड़ा लगेगा इसको करने में तो यहां पर दिस माइनस टू ये कब है जब एक्स लेस देन जीरो है और जब x जीरो से लेकर वन के बीच में है तो शायद टू एक्स माइनस वन आता है जहां तक मुझे याद आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था शायद हाँ, स्क्वायर माइनस एक्स था हाँ, टू एक्स माइनस वन जीरो से वन वन से थ्री में वन से थ्री में वन से थ्री में टू एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव जो करेंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन एट एक्स प्लस सेवन और एक्स ग्रेटर देन थ्री पर जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा एलेन ऑफ एक्स माइनस टू है ना इसका डेरिवेटिव अगर देखोगे इसका डेरिवेटिव तो ये आएगा एक्स माइनस टू इन टू दिस वन कट जाएगा थोड़ा दिमाग ला लो खुद से सर ये वन अपॉन दिस कट जाएगा वन सेवन सर एलेन ऑफ एक्स माइनस टू आएगा एल एन ऑफ एक्स माइनस टू ये आ गया डेरिवेटिव ये हो गया इसका डेरिवेटिव फंक्शन एफ डैश और आप देखें मैंने इक्वालिटीज हटा दी इक्वालिटीज क्यों हटा दी क्योंकि अक्सर जहां फंक्शन रीडिफाइंड होता है क्योंकि ये पलिनॉमिल है अपने आप में हर जगह डिफरेंशियबल है ये पलिनॉमिल है डिफरेंशियबल है ये है डिफरेंशियबल है ये लॉग और पलिनॉमियल का मिक्स है ये भी डिफरेंशियबल है तो ये कहाँ नॉन डिफरेंशियबल होने की संभावना होती जहां ये रीडिफाइंड होता है जीरो पर वन पर थ्री पर तो जैसे यहां पूछा है जीरो in के बीच में ये आता है फाइव इंटू एक्स प्लस वन की पावर फोर माइनस टू है ना और एक्स कहाँ है माइनस इन्फिनिटी से जीरो तो आप अगर देखें इसको तो यह फंक्शन आपको दिखाई देगा अगर यह इंक्रीजिंग होता तो इसका डेरिवेटिव कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता था माइनस इनफिनिटी से जीरो में लेकिन अगर आप इसको 1 पर देखें एट एफ डैश भी ले रहा है पॉजिटिव वैल्यू भी ले रहा है वैल्यू एफ डैश दिस पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज इन माइनस इनफिनिटी से जीरो इसका मतलब एफ इज नॉट इंक्रीजिंग ऑन जीरो से माइनस इनफिनिटी से जीरो एफ इंक्रीजिंग नहीं है माइनस इनफिनिटी से जीरो क्योंकि उसका डेरिवेटिव हमेशा कैसा आना चाहिए था कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना चाहिए था तो एफ डैश इंक्रीज ऑन दिस गलत है भाई ये तो गलत है फिर कह रहा है आ, एफ डैश का लोकल मैक्सिमम एफ डैश इज नॉट एट पर नहीं है पहले तो आप ये देखो कि की वैल्यू वैल्यून के देखो ये डेरिवेटिव फंक्शन है किसका ये डेरिवेटिव फंक्शन है एफ का तो एफ का डेरिवेटिव क्या वन पर एग्जिस्ट करता है सर वन पर एल एच डी आएगा वन और आर एच डी भी वन आ रहा है यानी ये फंक्शन वन पर डेरिवेबल है तो वन पर ये लगा दिया आपने तो ये एफ डैश

यूनियन जीरो से थ्री कह सकता हूं जीरो से थ्री यूनियन थ्री से यूनियन थ्री से दैट वुड बी इनफिनिटी डोमेन है अब वो हमसे क्या पूछ रहा है हमें कह रहा है कि एफ डैश का लोकल मैक्सिमम है वन पर तो जरा देखो अगर मैं वन पर वन पर एफ डबल डैश एक्स फाइंड करूं एफ डबल डैश एक्स अगर मैं फाइंड करता हूं इस डोमेन के अंदर अंदर ठीक है तो यह आ जाएगा ट्वेंटी एक्स प्लस वन की पावर थ्री और फिर ये सिर्फ टू ये कब है जब एक्स जीरो से छोटा है ये तब है जब एक्स जीरो से थ्री वन के बीच में है और जब एक्स वन से थ्री के बीच में है ठीक है हाँ जब एक्स वन से थ्री के बीच में है तो डेरिवेटिव आया कितना सर फोर एक्स माइनस एट और जब एक्स तीन से बड़ा है वन अपॉन एक्स माइनस टू तो ध्यान रखना के वन इसकी डोमेन में है वन इस पर ये फंक्शन एफ डैश डिफाइंड है वन के लेफ्ट में इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है एफ डैश का डेरिवेटिव वन के लेफ्ट में पॉजिटिव है वन के लेफ्ट में पॉजिटिव है टू है कांस्टेंट मत बोलना पॉजिटिव है एफ का डेरिवेटिव कहीं कहेंगे कॉन्स्टेंट है सर कॉन्स्टेंट नहीं है पॉजिटिव है ये हाँ पॉजिटिव है डेरिवेटिव देख रहे हो तुम ठीक है, तो तो है और डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो एफ डैश इंक्रीजिंग है और वन से Uh, कहा तक सर टू तक ये नेगेटिव है वन से टू तक तो यानी वन से टू तक ये नेगेटिव है तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा तो टू तक तो कम से कम घटेगा यानी वन पर क्या हो गया? सर लोकल मैक्सिमा किसका एफ डैश का तो एफ डैश है, है बिल्कुल सही है एफ डैश इज नॉट डिफरेंशियबल एट वन एफ डैश वन पर डिफरेंशियबल नहीं है एफ डैश वन पर डिफरेंशियबल देखो वन पर जो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है टू और वन पर जो राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा वो आएगा माइनस फोर बिल्कुल सही है डेरिवेबल नहीं है दिस इज इज नॉट नॉट डेरिवेबल एट एट यानी x one, बिल्कुल सही है क्योंकि एफ डैश की डिफरेंशियबिलिटी कहां से मिलेगी एफ डबल डैश से ठीक है आ, ये बारीक पॉइंट है तो चलिए ये हुआ अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ ये प्रॉब्लम एक है लेकिन सवाल एक तरीके से इसमें दो हैं तो यहां पर लिख रखा है ये आया था आई डी जे दो हजार बारह में यहां लिखा है एफ एक्स इज वन माइनस एक्स का होल स्क्सर एक्स प्लस एक्स x बिलोंगिंग टू आर और जी एक्स दे रखा है से तो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं पहला स्टेटमेंट एफ एक्स प्लस टू एक्स पहला स्टेटमेंट एफ एक्स के बारे में है तो एफ एक्स एफ एक्स क्या है वन माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स फिर प्लस एक्स स्क्वायर ये है इसमें टू एक्स जोड़ दो इसमें टू एक्स जोड़ दो मैं पी स्टेटमेंट की को तो एनालाइज कर रहा हूं वो कह रहा है कि देर सम एक्स एग्जिट समय बराबर होंगे तो प्लस टू एक्स इज इक्वल टू टू इंटू टू प्लस टू एक्स स्क्वास स्क्वा यू कैन सी वेरी वेल दैट दिस नहीं ये तो नहीं जा रहा भाई है ना एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर तो जा रहा है यार हाँ एक एक्स स्क्वायर तो गया बिल्कुल सर तो अपने पास आ गया वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का टू एक्स टू इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो देखना यार ये सही हो गया एक बार ज़रा देखो सर एक एक्स स्क्वायर भी छूट गया उधर मेरे ख्याल से एक एक्सक्वायर भी छूट गया उधर तो यार इधर बच गया अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स टू एक्स को उधर भेज दो और प्लस टू अब सही है हाँ अब ठीक है तो ये बच गया वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स इसमें भी तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस वन हाँ सर दो में से एक उधार लेकर इधर बना दो बिल्कुल तो ये हो जाएगा एक्स इसको भी वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख लो यार यारन माइनस एक्स का होल स्क्वायर इसको उधर भेज दो माइनस वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर इन टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू जीरो क्योंकि ये दोनों परफेक्ट हैं स्क्वायर्स हैं है ना परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं ये स्क्वायर्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये हमेशा नॉन नेगेटिव होंगे प्लस वन करेंगे तो पॉजिटिव आएगा यानी कि नो रियल सॉल्यूशन तो कहने का मतलब है वो कह रहा है कि देर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंगिंग टू आर नहीं पहला तो गलत हो गया तो पी इज फॉल्स तो इससे पता चला पी फॉल्स है यार पी इज फॉल्स पहला तो गलत हो गया क्योंकि वो कह रहे कि रूट आएगा हम कह रहे हैं रूट आएगा नहीं ऐसा कोई एक्स है नहीं जिस पर ये बराबर हो फिर टू एफ एक्स प्लस वन इसका दूसरा पार्ट भी है टू एफ एक्स प्लस वन टू एफ एक्स प्लस वन एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है इसके बाद वाले क्वेश्चन और भी मतलब मस्त वाले सवाल हैं तो बने रहिएगा मेरे साथ आखिरी तक इस वीडियो में ठीक है तो यहाँ पर अगला है आ, टू एफ एक्स प्लस वन तो टू एफ एक्स प्लस टू कितना? कितना है भाई सर इज इक्वल टू है टू एक्स इंटू वन प्लस एक्स टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स टू एक्स ये था टू इंटू वन माइनस एक्स का होल स्क्वाइन स्क्वायर एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर ंग यहाँ तो वन माइनस एक्स का स्क्वाइन स्क्स हाँ, वन इज इक्वल टू टू एक्स इज इक्वल टू एक्सर ठीक है ये टू एक्स स्क् और अपने पास आ गया अपने पास आ गया टू इन टू वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन या फिर टू इंटू वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन 2x माइनस टू एक्स प्लस टू जीरो हाँ, तो अगर देखें आ, इसकी वैल्यू यहां पर हमें क्या करना है यहां हमें ये एनालाइज करना है देर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंगिंग टू दिस कोई ना कोई एक्स ऐसा मिलेगा क्या कोई ऐसा एक्स मिलेगा तो जरा सोच के देखो यार आ, अगर मैं इसकी वैल्यू जीरो पर देखता हूँ जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर ज़ीरो पर इसकी वैल्यू आएगी वन वन पर वैल्यू कितनी आ जाएगी वट विल बी द वैल्यू एट एक्स इक्वल टू वन सर अगर वन रखेंगे तो ये जीरो हाँ देखो अगर मैं इसको जी एक्स कह दूँ जी एक्स इफ आई हेज्यूम दिस टू बी जी एक्स वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन तो अगर आप गौर से देखो जी ऑफ जीरो कितना आएगा सर जी ऑफ जीरो आएगा वन जी ऑफ जीरो विल बी वन एंड जी ऑफ वन विल बी सर ये जीरो तो माइनस टू सर माइनस वन उसका मतलब जी जीरो और जी वन अपोजिट साइन के हैं नेगेटिव है और ये फंक्शन कैसा है सर कंटिन्यूस है तो एक थियोरम जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थियोरम तो उसके हिसाब से बाई आई वी टी देर एग्जिस्ट देर एग्जिस्ट रूट इन जीरो से वन यानी जीरो से वन के बीच में पक्का एक रूट आएगा ही आएगा तो यानी क्या इसका रूट है जीरो से वन के बीच में बिल्कुल है इसका मतलब Q इज ट्रू तो Q ट्रू हो गया Q इज ट्रू so Q इज ट्रू सो आई कैन से P इज ट्रू P इज फॉल्स Q इज ट्रू सो दे फॉर द करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी कैलकटा कैलकटा वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस अब बढ़ते हैं इसका सेकेंड पार्ट की तरफ ये तो आसान वाला पार्ट था

यहां पर हम ये कह सकते हैं और यहां चर्चा चल रही है सारी वन से infinity, से आगे आगे तो वन के आगे तो ये पॉजिटिव है हमेशा पॉजिटिव तो एफ ये वाला तो वाला पार्ट पॉजिटिव है यानी जी डैश का पॉजिटिव नेगेटिव होना सब का सब इसके ऊपर निर्भर करता है इस फंक्शन के ऊपर एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस फंक्शन तो अगर मैं इस फंक्शन को नया फंक्शन कह दूं एच एक्स इसको इस फैक्टर को एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन और साथ में माइनस एल एन एक्स ये है एच एक्स और इसे कहाँ कंसिडर कर रहा हूं मैं वन से इन्फिनिटी में वन से इन्फिनिटी में क्योंकि वन से इन्फिनिटी में ही हमें सब कुछ एक तरीके से एनालिसिस करके बताना है सो इफ आई कंसिडर इट फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी तो क्या होगा सर वन पर चलो देखते हैं एच डैश एक्स क्या आएगा एच डैश एक्स वो आ जाएगा टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन और माइनस वन अपॉन एक्स तो ये तो आ गया टू इंटू टू तो फोर आ गया ऊपर फोर अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स ये हो गया फोर एक्स माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये आ गया तो एच डैश एक्स या अपने पास हाँ तो एच डैश एक्स कितना हो गया सर एच डैश एक्स हो गया एच डैश ऑफ एक्स सर एच डैश ऑफ एक्स बिकम्स फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर यही है हाँ ये बन गया ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन का एक्स माइनस वन क्या आएगा किसका आएगा माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर यानी ये आ गया माइनस ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर यह आ गया अपने पास ठीक है एच डैश एक्स हमेशा कैसे आ गया सर एच डैश एक्स तो हमेशा नेगेटिव आ गया लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स इन वन से फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू वन से इनफिनिटी ठीक है तो एच डैश एक्स हमेशा जीरो से छोटा आ गया लेकिन ध्यान रखना हमें एच डैश पर कमेंट नहीं करना हमें तो इस एच एक्स को बताना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है एच एक्स को बताना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है ठीक है क्योंकि यह जो एच एक्स है जो जी डैश एक्स है वो अल्टीमेटली है क्या जी डैश एक्स हमारे पास है एच एक्स इन टू एफ एक्स है जहां एक्स वन से इंफिनिटी है तो हमें एच एक्स का साइन ये तो हमेशा हमें पता चल गया पॉजिटिव है अब एच एक्स के साइन पता चलना चाहिए अब जरा गौर से सुनिएगा हमें पता है कि एच एक्स एच एक्स एच डैश एक्स नेगेटिव हो गया फॉर ऑल एक्स इन वन से इन्फिनिटी, फॉर ऑल एक्स इन वन से इन्फिनिटी। अब एच एक्स जो था वो फंक्शन क्या था एच तो एक्स जो फंक्शन था टू इन टू वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स और माइनस एलेन एक्स शायद यह फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन आप कहोगे सर हमने तो इसे सिर्फ वन से इन्फिनिटी में कंसिडर किया है हाँ इसके कारण हमने वन से इन्फिनिटी में कंसिडर किया लेकिन देखा जाए तो ये फंक्शन अगर देखा जाए तो ये जीरो से इन्फिनिटी में डिफाइंड है ये फंक्शन पूरा जीरो से इन्फिनिटी में डिफाइंड है दिस इज डिफाइंड फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी तो अगर मैं सिर्फ जीरो से इन्फिनिटी वाली पिक्चर देखूं और मुझे जरूरत सिर्फ कहां है जी के लिए वन से इन्फिनिटी वाली पिक्चर में तो जीरो से इन्फिनिटी में अगर देखें तो ये फंक्शन वन पर तो कंटिन्यूअस है हाँ सर वन पर कंटिन्यूस है तो एच वन कितना आएगा सर एच वन आएगा जीरो एच वन आएगा जीरो और एच कैसा फंक्शन है वन के आगे डिक्रीजिंग तो अगर कोई फंक्शन वन पर वैल्यू जीरो ले रहा है और कंटिन्यूअस है तो और उसके बाद डिक्रीजिंग है तो ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे सर नीचे जाएगा डिक्रीजिंग है तो ऑब्वियस सी बात है एच वन जीरो पक्का नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स इन वन से इंफिनिटी फॉर ऑल एक्स इन वन से इंफिनिटी तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जी डैश ऑफ एक्स जो था वो है एच एक्स इन टू एफ एक्स ये कैसा है सर ये पॉजिटिव है ये कैसा है सर ये नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स इन वन से इंफिनिटी तो जी कैसा हो गया सर दिस इंप्लाइज जी इज डिक्रीजिंग जी इज डिक्रीजिंग इन वन से इन्फिनिटी दे फॉर द करेक्ट आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी आगरा आगरा नहीं आगरा नहीं आउट टू बी बॉम्बे बॉम्बे करेक्ट आंसर जी इज डिक्रीजिंग इन से क्लियर की तरफ ये रहा अगला सवाल रियली आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम दैट हज बी नास्ड इन जे एडवांस टिल नाउ इज दिस प्रॉब्लम यहां लिखा है साइन पाई एक्स अपॉन एक्स स्क् एक्स ग्रेड दैन जीरो भाई इसको करने में समय थोड़ा ज्यादा लगेगा अच्छा सवाल है बहुत क्योंकि इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक बात जानकर बढ़ेंगे आगे ठीक है तो यहां पर लिख रखा है एफ एक्स साइन पाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेड दैन जीरो है और एक्स वन एक्स टू एक्स एन ये पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम है एफ के और वाई वन वाई टू वाई एन ये लोकल मिनिमम पॉइंट्स हैं तो पहले तो मैक्सिम मिनिमा की बात कर रखी तो एफ डैश एक्स फाइन कर लेते हैं कितना आएगा सर यह आएगा नीचे तो आ जाएगा एक्स की पावर फोर एक्स की पावर फोर और ऊपर एक्स स्क्वायर इंटू पाई इंटू कॉस पाई एक्स फिर माइनस टू एक्स इंटू साइन पाई एक्स और ध्यान रखिएगा हम चर्चा कर रहे हैं ग्रेटर देन जीरो पर तो ऊपर से एक एक्स नीचे कैंसिल आउट हो गया तो पाई एक्स कॉस पाई एक्स माइनस टू ठीक है डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब एक एक्स ऊपर नीचे कैंसिल आउट हुआ हाँ ये है एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स दिस इज एफ डैश एक्स यस बिल्कुल अब क्योंकि हमें पता है ये फंक्शन कंटिन्यूस है पूरे जीरो से इंफिनिटी में क्योंकि नीचे एक्स स्क्र है डिसकंटिन्यूस होने की संभावना तभी थी जब नीचे डिनोमीटर जीरो हो जाए जो कि रूल आउट है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है तो हमें पता है ऐसे फंक्शन के जो मैक्सिमम मिनिम के पॉइंट्स आते हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स पर आते हैं यानी क्रिटिकल पॉइंट्स का जहाँ एफ डैश एग्जिस्ट ना करता हो या फिर एफ डैश जीरो हो, ना करे ऐसा तो दिख नहीं रहा कहीं पर भी इट एग्जिस्ट तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स तो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे F -X जहां हो F -X का मतलब डिवाइड पा, कर दो सर यह आ गया टू टैन पाई एक्स सर कॉस पाई एक्स जीरो नहीं हो सकता नहीं हो सकता क्यों अगर कॉस पाई एक्स जीरो का जैसे एक्स हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ यानी ये प्लस वन बाई टू जैसा होगा लेकिन टू एन प्लस वन बाई टू पर ये तो जीरो हो जाएगा लेकिन ये है जीरो नहीं होगा तो इक्वेशन सेटिसफाई नहीं होगी यानी कॉस पाई एक्स जो भीफाई कर रहा होगा जो भी एक्ष, उस एक्ष पर कॉस जीरो नहीं हो सकता इसलिए डिविजन में हमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से जो समझदार बच्चे हैं क्लियर हो गया होगा समझ गए होंगे तो ये आ गया पाई एक्स क्योंकि आप समझ गए ना कॉस पाई एक्स जीरो नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये जीरो होता तो एक्स क्या होता है टू एन प्लस वन बाई टू होता जैसा कुछ होता यानी ऑड बाय टू होता लेकिन ऑड बाय टू पर ये साइड जीरो नहीं होती और ये साइड जीरो हो जाती तो बराबर हो नहीं सकते थे यानी जहां ये जीरो बनता उस पर इक्वेशन सेटिसफाई नहीं होती तो वी कैन डिवाइड तो ये जीरो नहीं हो सकता तो हमारे पास आगे टेन पाई एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स बाय टू इज इक्वल टू पाई एक्स टू अगर मैं आप पाई एक्स को टी कह दूं पाई एक्स को टी कह दूं लेट तो मेरे पास एक तरीके से आ गया क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए tan t बराबर t 2 जहां tan t बराबर t 2 होगा वहां-वहां मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे यानी वहां-वहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होगी और डेफिनेटली जो t है वो जीरो से बड़ा है ना दैट इज ग्रेटर देन 0 t इज ग्रेटर देन 0 क्यों क्योंकि x जीरो से इंफिनिटी के बीच में है तो यहां मैं ऐसे बना लेता हूं Let me ड्रॉ द ग्राफ ऑफ tan ये पाई बाय टू ये थ्री पाई बाई टू है ना ये थ्री पाई बाय टू फिर ये है फाइव पाई बाय टू ये और लगभग ये और फिर यहाँ ये हो गया फिर इधर बना दो ये बन गया भाई एंड द ग्राफ वुड बी ये बन गया भाई एक ग्राफ फिर यहां से ग्राफ ऊपर आएगा ये जाएगा फिर यहां से ग्राफ मतलब ये टच तो नहीं करेगा डूइंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम्स हियर नाउ ठीक है ये आ गया भाई और फिर ये आ गया फिर ये आ गया और ये एक्स बाय टू पर तो एक्स बाय टू टी बाय टू जो लाइन बनेगी वो लाइन यहाँ पर ऐसी बनेगी दिस विल बी द लाइन दैट वी विल हैव एट टी बाय टू ये लाइन इस ग्राफ से ऊपर ही रहेगी क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि x के ग्राफ पर ओरिजिन पर जो टेंजेंट बनती है वो होती है वाई इक्वल टू एक्स लाइन और y इक्वल टू एक्स अगर टेंजेंट है तो ये जो लाइन है हमारे पास इसका स्लोप है वन बाई टू है ना तो ये है y इक्वल टू टी बाई टू ये हमारी t एक्सिस है ठीक है एंड दिस इज अवर t एक्सिस तो ये हमारी t एक्सिस है एंड दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट वी विल हैव तो आप देखें ये t बाई इसको कट कर रहा है इन इन पॉइंट्स पर यहां कट कर रहा है यहां कट कर रहा है यहां कट कर रहा है और यहां भी कट कर रहा है ठीक है तो थोड़ा सा देखें बिल्कुल मान लेते हैं यह वाला जो पॉइंट है इसको मैं अल्फा वन कह देता हूं ये पाई बाय टू और थ्री पाई बाय टू के बीच में है ये थ्री पाई बाई टू और फाइव पाई बाई टू के बीच में लेट मी कॉल दिस इज बीटा वन इसको मैं कह देता हूँ फिर से अल्फा टू ये सेवन पाई बाई टू और नाइन पाई बाई टू के बीच में है दिस इज बीटा टू इसी तरह से मैंने अल्फा वन बीटा वन ऐसे ही लिख दिया तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इफ यू लुक सर आपने ऐसे अलग अलग नेमिंग क्यों की देखो उसका कारण है मुझे समझ यहाँ पर थोड़ा समझना जो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए क्रिटिकल so पॉइंट्स आ ठीक है ना बीटा थ्री है ना और यह बात सही है इसको बल्कि ऐसा लिखू तो ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा अल्फा वन इज लेस लेस देन अल्फा टू इज लेस देन बीटा टू इज लेस अल्फा थ्री इज लेस देन देन बीटा इज लेस एंड सो ऑन दैट इज हाउ द द पॉइंट्स पॉइंट्स आर आर अकरिंग क्रिटिकल है ना जीरो से इनफिनिटी के बीच में अब अगर अल्फा वन देखा जाए पाई पाई से 3 pi by 2, f -x है है ना ये टी की वैल्यू है ये टी की वैल्यू है कहां से कहां तक पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू के बीच में ठीक है हाँ तो मेरे पास जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन अगर आप गौर से देखें एफ डैश एक्स की बात करें तो एफ डैश एक्स जो मेरे पास है था पाई एक्स इंटू कॉस पाई एक्स माइनस है ना कॉस पाई एक्स मैंने अगर मैं कॉमन निकाल लूं कॉस पाई एक्स अगर मैं मेरे पास जो पहले था वही लिख लेता हूँ पाई एक्स इंटू कॉस पाई एक्स माइनस साइन पाई एक्स इंटू टू डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब ये है मेरे पास एफ डैश एक्स ठीक है अगर मैं इसमें से कॉस पाई एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ तो कॉस पाई एक्स अपॉन एक्स, एक्स क्यूब और यहां बच गया टू भी निकाल लो पाई एक्स बाई टू माइनस है। है? अब जरा देखो अल्फा वन पर देखो अल्फा वन पर ये जीरो है डैश क्यों क्योंकि ये लिखा है टी माइनस एक तरीके से लिखा टू इंटू कॉस आई एक्स πx को मैं क्या लिख दूं सर t लिख देता हूँ t t अपऑन कितना x क्यूब इनटू t by 2 माइनस tan t by 2 माइनस tan t नीचे मैंने x क्यूब भी लिखा रहने दिया कोई दिक्कत नहीं है जब t π by 2 से 3π by 2 होगा कोऑर्डिनेट होगी सेकंड और थर्ड कॉस कैसा होगा नेगेटिव है ना कॉस होगा नेगेटिव और ये कैसा होगा जरा ध्यान से सुनना टी बाई टू, सर लेफ्ट में सर ये कैसा है सर लाइन ऊपर है ग्राफ नीचे है तो ये अगर मैं अल्फा वन पर स्टडी कर रहा हूँ इफ आई एम लुकिंग एट अल्फा वन अल्फा वन के लेफ्ट में डेरिवेटिव का साइन बताओ सर अल्फा वन के लेफ्ट में अगर देखा जाए अल्फा वन के लेफ्ट में अल्फा वन के लेफ्ट में सर अल्फा वन के लेफ्ट में जो कॉस टी है वो तो हमेशा कैसा रहेगा कॉस टी तो हमेशा सर यहां हम बात करें टी ग्रेटर देन जीरो पर क्योंकि टी क्या था पाई एक्स तो एक्स ग्रेटर है तो तो ऑब्वियस सी बात है है ये तो पॉजिटिव और यह कैसा होगा तो जब टी होगा टू तो ये होगा नेगेटिव ये नेगेटिव ये होगा है ना पूरे इंटरवल पर और इसके पहले अल्फा वन से पहले लाइन ऊपर है ग्राफ नीचे यानी कि ये पॉजिटिव होगा पॉजिटिव क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे तो ये डिफरेंस पॉजिटिव होगा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव सर नेगेटिव और उसके बाद t बाई टू से आ, आगे अल्फा वन से आगे यहां देखो इस पर देखा जाए तो सर ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि ग्राफ आगे निकल गया ग्राफ आगे निकल गया और ये तो ये डिफरेंस हो गया नेगेटिव 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 पॉजिटिव इसका मतलब हुआ कि पहले फंक्शन घटेगा और फिर फंक्शन बढ़ेगा यानी अल्फा वन पर मिनिमा आएगा अल्फा वन पर मिनिमा आएगा अल्फा टू पर भी बिल्कुल वैसा ही होगा क्यों होगा वैसा फाइव पाइव बाई टू सेवन पाइव बाई टू सेवन पाई बाई टू आप एक चीज याद रखो हमने अभी बात की 2 से by by पाई बाई टू से by by two, से नेगेटिव फिर दोबारा यहां आता है पता क्या है ना और उधर आ जाता है फाइव फाइव बाई टू फाइव बाई टू से थ्री पाई बाई टू सर नेगेटिव फिर फाइव फाइव बाई टू सेवन पाइव बाई टू फिर से ये कॉस वाला टर्म नेगेटिव होगा और बिहेवियर अल्फा टू के अराउंड भी ऐसा ही होगा अल्फा टू के पहले और अल्फा टू के बाद यहां भी देख लो बिहेवियर लगभग वैसा ही दिखाई देगा यानी मैं कह सकता हूं ये जितने भी अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री है पॉइंट ऑफ मिनिमा और क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री पर क्या होगा सर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा तो मैं कह सकता हूं क्यों क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन सर ये इस फंक्शन पर मत जाना किस फंक्शन पर जाना फंक्शन ये है तुम्हारा तो यहां मुझे बता है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री इन सब पॉइंट पर क्या आ रहा है मिनिमा तो जो बीच में बीटा 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 क्रिटिकल हमेशा अल्टरनेटली अकर करते हैं ये फंक्शन्यूस है. लोग सोचेंगे ये तो कंटिन्यूस नहीं है अरे भैया ये इसका ग्राफ थोड़ी है. ये ग्राफ किसका है? Y tan t का. और वो वाई टू टैन वाई टू टी बाई टू का कैन तो से अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री ये हो गए पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम और जो बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री हैं वो हो गए लोकल मैक्सिमम बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम उसको चेक करने की जाओ तो जरूरत ही नहीं है वो लोकल मैक्सिमम आएगा ही आएगा ठीक है अब वो कह रहा है कि जो मैक्सिम मिनिमा के पॉइंट्स हैं जो एक्स है जो मिनिमा के जो किसके पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा के जो पॉइंट्स हैं तो, है, तो जो लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स हैं पॉइंट टू एन और टू एन प्लस हाफ के बीच में आते हैं और एक्स वन लेस देन वाई वन है एक्स वन वाई वन से छोटा है एक्स तो वन क्या हुआ हमारा द तो पहला पॉइंट ये वाला पॉइंट कॉरस्पॉन्ड टू एक्स वन एक्स वन जो है असल में देखा जाए तो अल्फा जो है अल्फ़ा वन वो है पाई अपॉन एक्स वन पाई एक्स वन वो है पाई एक्स वन और वह डेफिनेटली छोटा है अल्फा टू से जो कि पाई एक्स टू है जो कि छोटा है अल्फा थ्री से या फिर पहले बीटास में लिख लें ये बीटा वन जो कि है पाई वाई वन इट इज लेस देन अल्फा टू जो कि है पाई एक्स टू इट इज लेस देन अल्फा थ्री हाँ सॉरी बीटा टू विच इज पाई वाई टू विच इज लेस देन अल्फा थ्री विच इज पाई एक्स थ्री विच इज लेस देन बीटा फोर विच इज पाई वाई फोर पाई एक्स पाई वाई फोर एंड सो ऑन ये ऐसे चल रहा है कार्यक्रम ठीक है तो यहां ये यह कह रहा है लास्ट वाला पॉइंट देखो लास्ट वाला पॉइंट सबसे मेरे ख्याल से आसानी से हो जाएगा सेन से छोटा है क्या एक्स वन वाई वन से छोटा है हाँ सर यहां से पता चल रहा है एक्स वन वाई वन से छोटा है एक्स वन इज लेस देन वाई वन तो दिस पॉइंट इज ट्रू ये तो सही हो गया यार फिर आता है जो भी एक्सेंस हैं वो टू एन और टू एन प्लस हाफ के बीच में है यार लोकल मिनिमा के पॉइंट से टू पाई वाई वन लोकल मिनिमा के पॉइंट से पाई वाई वन उल्टा हो गया है ना हाँ उल्टा हो गया सर ये पाए वाई वन है ये पाए एक्स वन है उल्टा हो गया देख रहे थोड़ा सा यहाँ है भैया यह भी पेंच है यह भी सोच समझ कर लिखना पड़ेगा आई आई पूरा का पूरा दिमाग के साथ खेलता है सर ये पाए वाई वन है ये मिनिमा के पॉइंट ये पाए एक्स वन है ये पाए वाई टू है ये पाए एक्स टू है ये पाए थ्री है ये पाए एक्स हो है तो यहां से आया x1 y1 से बड़ा आ रहा है x1 y1 से बड़ा आ रहा है तो उसका मतलब यह वाला जो पार्ट था यह तो गलत हो गया भाई x1 लेस देन y1 इज रॉन्ग x1 लेस देन y1 नहीं है x1 तो बड़ा आ रहा है y1 से अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं xn 1 xn हमेशा दो से बड़ा है xn minus yn 1 से बड़ा है एक्स एन और एक्स एन एक्स एन हमेशा टू एन और टू एन प्लस हाफ के बीच में है फॉर एवरी एन तो देखो एक्स एन यानी अगर मैं बीटा वन कहूं बीटा वन है पाई एक्स वन. वो है? है तो बीटा वन जो है वो थ्री पाई बाई टू से फाइव पाई बाई टू के बीच में है थ्री पाई बाई टू से फाइव पाई बाय टू के बीच में है यानी एक्स वन है थ्री बाई टू से फाइव बाई टू के बीच में यानी के यह है यह है, अगर देखा जाए तो यहां पर कितना लिखा है सर टू एन और टू एन प्लस हाफ टू एन और टू एन प्लस हाफ सर टू प्लस हाफ तो प्लस हाफ ठीक है अगर मैं इसको और प्रिसाइसली लिखूं तो मैं कह सकता हूं ये पाई से लेकर फाइव फाइव बाई टू के बीच में इफ आई एम नॉट रॉन्ग पाई से लेकर फाइव फाइव बाई टू के बीच में है हाँ सर ये लिख लो है हाँ पाई से लेकर फाइव फाइव बाई टू के बीच में है अगर पाई देखा जाए तो थ्री बाई टू वहां लिखा है एक्स वन होना चाहिए टू से फाइव बाई टू के बीच में टू से फाइव बाई टू के बीच में टू से फाइव बाई टू के बीच में हाँ सही है यार ये थ्री बाई टू से टू के बीच में है पाई से इधर है तो डेफिनेटली सही है यानी कि मैं कह सकता हूँ यह है डेफिनेटली थ्री बाई टू से फाइव बाई टू के बीच में है अगर मैं पाई लेता हूँ तो टू से आएगा अगर पाई लेता हूँ तो आएगा आ, वन से फाइव पाई बाई टू वन से टू बाई दिस के बीच में यार है यहाँ पर एक मिनट रुको अगर मैंने पाई लिया तो आएगा वन से फाइव पाई बाई टू के बीच में अगर मैं करता हूँ टू पाई टू पाई तो टू से लेकर फाइव फाइव बाई टू के बीच में अरे ये तो पाई नहीं यार ये गलत लिखा ना मैंने टू पाई है भाई ये हाँ टू पाई है वही मैं सोच रहा हूँ यार टू पाई तुम कह भी रहे हो सर वो तो टू पाई है हाँ उधर बैठे हुए जल्दी दिख जाता है एग्जाम में नहीं दिखता है ना हाँ ये आ गया चार पाई तो ठीक है अब सही है हम कह सकते हैं ये टू पाई से लेकर कहाँ तक है फाइव फाइव बाई टू तक तो टू से लेकर फाइव बाई टू के बीच में है बिल्कुल सही अब बीटा टू पर आ जाओ पाई एक्स टू वो कहाँ है सर वो है बीटा टू बीटा टू बीटा टू हो रहा फोर पाई से नाइन पाई बाई टू फोर पाई से नाइन पाई बाई टू तो इसका मतलब यह है कहाँ से कहाँ तक सर फोर से लेकर नाइन बाई टू के बीच में तो देखो ये है आ, टू वन टू इंटू वन एक्स वन टू प्लस हाफ ये है टू इंटू टू लेस देन एक्स टू और ये हो गया फोर प्लस हाफ यानी ये इसी तरह से चलता जाएगा तो मैं कह सकता हूँ एक्स एन जो होगा वो टू इंटू एन और टू एन प्लस हाफ के बीच में होगा क्योंकि टू इंटू टू प्लस ऐसे लिख लो इसको देखो थोड़ा तो और फील आ जाएगा टू इंटू वन प्लस हाफ और इसको लिख दो टू इंटू टू प्लस हाफ टू इंटू एन प्लस हाफ आ जाएगा इसका मतलब एक्स एन जो हो गया वो पक्का टू एन से लेकर टू एन प्लस हाफ के बीच में हो गया तो एक्सएन बिलोंग्स टू दिस दिस इज करेक्ट दिस इज करेक्ट फॉर एवरी एन तो अब जो ए पार्ट है उसमें लिखा एक्सएन प्लस वन माइनस एक्सएन ये हमेशा किससे बड़ा है टू से बड़ा है ये चेक करना है कि एक्सएन प्लस वन माइनस एक्सएन टू से बड़ा है और अभी अभी हमने प्रूव किया एक्सएन टू एन से टू एन प्लस हाफ है तो ऐसा नहीं लगता कि एक्सएन प्लस वन यही रख लूं और एक्सएन माइनस एक्सएन की रेंज लिखूं दोनों को जोड़ के देखू तो क्या यह टू से बड़ा होगा डिसाइड कर पाएंगे तो जरा देखो अगर तुम इसे यहीं पर सोचो एक्स एन प्लस वन की रेंज क्या होगी टू एन एन की जगह एन प्लस टू एन प्लस टू से लेकर टू एन प्लस फाइव बाई टू और माइनस एक्सएन की रेंज क्या होगी सर माइनस एक्सएन की, की जो रेंज होगी वो होगी माइनस टू एन माइनस हाफ से लेकर माइनस टू एन तो अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो अगर आप जोड़ते हैं तो मेरे ख्याल से आएगा एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन विल बिलोंग टू जरा देखो माइनस करके माइनस मतलब ऐड करना है इनको ऐड करना है तो ये आएगा थ्री बाई टू से लेकर फाइव बाई टू तो थ्री बाई टू से फाइव बाई टू है लेकिन ये कह पाना ये टू से बड़ा है अभी तो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता यानी और कुछ चेक करना पड़ेगा तो कुछ और सोचना पड़ेगा ताकि हम इस पार्ट को जवाब दे सकें तो चलो आओ देखते हैं भाई ये टू से बड़ा है फिर अगला एक्सन माइनस वाइन वन से बड़ा है चलो देखते हैं तो यहां पर अगर देखा जाए आ, बीटा वन देखो जैसे जैसे लाइन ऊपर बढ़ेगी ग्राफ जो है वो इस लाइन के असम के पास जाता जाएगा यानी ये अल्फा टू वाला पॉइंट पाई बाई टू के ज्यादा करीब होगा ये डिस्टेंस कम होगा ये डिस्टेंस ज्यादा होगा देखो अब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ये डिस्टेंस और कम हो गया ये डिस्टेंस और कम हो गया ये वाला डिस्टेंस और कम हो जाएगा ये तो ग्राफ हमने स्केल के हिसाब से नहीं बनाया ये डिस्टेंस और कम हो जाएगा तो क्यों क्योंकि ये लाइन ऊपर उठती जाएगी और ग्राफ इधर सटकता जाएगा इधर अटकता जाएगा तो हम कह सकते हैं कि बीटा वन की दूरी फाइव फाइव बाई टू से बीटा वन की दूरी अब हम कौन सा पार्ट चेक कर रहे हैं अब हम चेक कर रहे हैं ए पार्ट तो ए पार्ट की बात करें बीटा वन की दूरी फाइव फाइव बाई टू से फाइव फाइव बाई टू से यह दूरी ज्यादा है बीटा टू से इज ग्रेटर दैन इज ग्रेटर दैन बीटा टू की दूरी कहां से इज ग्रेटर दैन बीटा टू नाइन फाइव बाई टू से दूरी फाइव फाइव बाई टू माइनस बीटा वन फाइव फाइव बाई टू बड़ा है भाई फाइव फाइव बाई टू माइनस बीटा वन की दूरी यानी फाइव फाइव बाई टू की दूरी बीटा वन से नाइन पाई बाई टू से बीटा टू से जो दूरी है यह बड़ी होगी थर्टीन पाई बाई टू माइनस बीटा थ्री क्योंकि आप देख रहे हैं कि पॉइंट लगातार उस तरफ खिसकता जाएगा मेरे ख्याल से आपको यह बात फील आ रही होगी पढ़ने वाले बच्चों ये लाइन हमेशा ऊपर कटेगी तो ये टेन का ग्राफ इधर सटकता जाएगा लाइन के साथ तो ये बीटा टू सटता जाएगा नाइन फाइव बाई टू बीटा थ्री थर्टीन फाइव बाई टू के साथ और सट जाएगा सेवनटीन फाइव बाई टू माइनस बीटा फोर एंड सो ऑन तो अगर आप देखें बीटा वन क्या था सर बीटा वन था फाइव फाइव अपॉन टू सर बीटा वन कितना था भाई सर बीटा वन था बीटा वन है पाई एक्स वन पाई एक्स वन तो माइनस पाई एक्स वन इज ग्रेटर देन नाइन पाई बाई टू माइनस पाई एक्स टू इज ग्रेटर देन थर्टीन पाई बाई टू माइनस पाई एक्स थ्री इज ग्रेटर देन सेवेंटीन पाई बाई टू माइनस पाई एक्स फोर एंड सो ऑन तो ये हो गया पाई उड़ा दो तो फाइव बाई टू

इसको और इसको देखो एक्स थ्री को उधर भेज दोन टू माइनस नाइन बाई टू सर ये भी टू आ गया ये सिलसिला चलता जाएगा अगर आप इनको देख लो तो एक्स फोर माइनस एक्स थ्री इज ग्रेटर देन टू आ जाएगा एक्स फोर माइनस एक्स थ्री इज ऑल्सो ग्रेटर दैन टू तो सो ऑन तो वी कैन से एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन श्योरली ग्रेटर टू फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू ने इसका मतलब जो ए पार्ट है भाई वो भी सही हो गया अब बी पार्ट देख रहे हैं कितनी मेहनत कराता है ए, देख रहे हैं? ये तो मैं आपको एक एक स्टेप बिल्कुल आराम आराम से कैलकुलेट करके बता रहा हूं अब एक्स एन माइनस वाई एन हमेशा वन से बड़ा होगा फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर तो ये जो इसका बी पार्ट है इसका बी पार्ट है बी पार्ट में एन माइनस वाई एन ये हमेशा किससे बड़ा देखना है, चेक करना है वन से बड़ा होगा क्या? तो यह तो समझ में आता है आ, यहां पर आपको देख रहा होगा यहाँ नहीं वाई वन छोटा है एक्स वन से ये छोटा है वाई टू से ये छोटा है एक्स टू से ये छोटा है वाई थ्री से एंड ये छोटा है वाई फोर एक्स थ्री वाई थ्री एक्स फोर से एंड सो ऑन दैट इज हाउ इट प्रोसीड्स ठीक है तो यहां लिखा है एक्स एन माइनस वाई एन एक्स एन माइनस वाई एन हमें देखना है वन से बड़ा तो एक्स एन माइनस वाई एन तो जैसे हमने यहाँ सोचा था यहाँ सोचा था क्या यहाँ जो हमने सोचा था कि एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन की रेंज लिख लें और दोनों को नहीं चल रहा तो यहाँ पर भी वही आइडिया अपना लेते हैं क्या आइडिया अपना लें कि थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स वन थ्री पाई बाई टू माइनस अल्फा वन थ्री पाई बाई टू माइनस अल्फा वन यानी फिर से वही वाली बात वही कॉन्सेप्ट ये इधर सटकता जाएगा तो अल्फा वन से थ्री पाई बाई टू की दूरी इज ग्रेटर दैन इज ग्रेटर दैन फाइव पाई बाई टू माइनस बीटा वन इज ग्रेटर दैन सेवन पाई बाय टू माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा टू है ना हा माइनस अल्फा टू इज ग्रेटर देन नाइन पाई बाय टू माइनस बीटा थ्री इज ग्रेटर देन नाइन पाई बाय नहीं इलेवन पाई बाय टू माइनस अल्फा थ्री जरा देखो ऐसे ही आएगा थ्री पाई बाय टू से अल्फा वन की दूरी थ्री पाई बाई टू से अल्फा वन की दूरी फाइव पाई बाई टू से बीटा वन टू की दूरी ये ज्यादा होगी ये कम होगी ये और कम होगी यह और कम होगी हाँ बीटा टू वाली और कम होगी ना आ, बीटा टू आएगा यहां बीटा टू ये होगा बीटा और ये होगा बीटा टू फिर यहां होगा अल्फा थ्री बीटा टू के बाद अल्फा थ्री अल्फा वन बीटा वन अल्फा टू बीटा टू फिर अल्फा थ्री बीटा थ्री ठीक है एंड ऑन ये चलता जाएगा अब जरा गौर से देखो ये था थ्री पाई बाई टू माइनस पाई एक्स नहीं पाई वाई वन पाई वाई वन is greater than 5 pi by 2 pi x 1 is greater than 7 pi by 2 pi y 2 is greater than 9 pi by 2 minus pi x pi x 2 pi x 2 pi y 2 pi x 2 pi x 2 is greater than 11 pi by 2 minus pi y 3 and so on so 3 by 2 minus y 1 इज ग्रेटर देन फाइव बाई टू माइनस एक्स वन इज ग्रेटर देन बाई टू माइनस वाई वन इज ग्रेटर देन माइनस एक्स टू इज ग्रेटर देन बाय टू यहाँ वाई वन एक्स वन यहाँ वाई टू आएगा ये वाई टू है दिस इज वाई टू माइनस वाई टू माइनस वाई थ्री एंड सो ऑन तो अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं तो x1 वन माइनस वाई वन विल बी ग्रेटर देन वन जरा देखो इसको इधर ले आओ हो गया हाँ एक्स वन माइनस वाई वन इज ग्रेटर थ्री बाई टू विच इज वन फिर x2 टू माइनस वाई टू एक्स टू इन दोनों को देखो x2 को इधर ले आओ नाइन बाई टू माइनस सेवन बाई टू इज ग्रेटर बाई टू माइनस सेवन टू ये भी वन एंड सो ऑन सो आई कैन से दैट एक्स एन माइनस वाई एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन या फिर यूँ कहूँ कि मॉड ऑफ एक्स एन माइनस मॉड ऑफ वाई एन इज ग्रेटर देन वन क्योंकि एक्स एन डेफिनेटली वाई एन से हमेशा बड़ा ही है ठीक है ना बिल्कुल तो दिट्स मेक्स बॉम्बे पार्ट आल्सो करेक्ट ये भी सही हो गया तो so आंसर्स आ गए ए बी एंड सी दीज आर ऑल करेक्ट आंसर्स अब बढ़ते हैं लास्ट प्रॉब्लम की तरफ एंड ये रहा अगला सवाल यहां पर फॉर एवरी वाइस डिफ्रेंशियबल फंक्शन एफ फ्रॉम आर माइनस टू से टू विद एफ जीरो का स्क्वास जीरो का स्क्वायर इक्वल टू एटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर ट्रू ये लिखा हुआ है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं ज यार मोर देन वन करेक्ट है हमेशा की तरह तो यहां पर इस प्रॉब्लम आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम हिस्ट्री जे एडवांस की हिस्ट्री में अगर देखा जाए ये सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम है जो मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई इससे अच्छा प्रॉब्लम शायद नहीं आया कभी यहां पर लिखा है कि देर एग्जिस्ट आर एंड एस बिलोंगिंग टू आर सच दैट आर एस से छोटा है एफ इज वन वन ऑन द ओपन इंटरवल आर टू एस तो यहां पर हमें सिर्फ एक चीज दे रखी है वो चीज क्या है कि एफ टाइस डेरिवेबल, ट्वाइस डिफरेंशियबल ये दे रखा है ट्वाइस डिफरेंशियबल ऑन आर पे इस पर माइनस टू से टू पर और साथ में क्या रखा है एफ जीरो का स्क्वायर, और एफ डैश जीरो का स्क्वायर, ये है एटी फाइव

तो यह फंक्शन किसी ना किसी इंटरवल पर इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना चाहिए तब या कर यह उस इंटरवल पर वन वन हो जाएगा तो यहां देखने वाली बात यह है कि अगर मैं फंक्शन क्लियरली एक बात सोच सकता हूं क्लियरली अच्छा यानी फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहिए यानी फंक्शन क्या नहीं होना चाहिए कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए तो पहली चीज क्लियरली एफ एक्स इज नॉट अ अस्टेंट फंक्शन यह कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं है इज नॉट अ अंस्टेंट फंक्शन क्यों क्योंकि उसका कारण देखो बिकॉज बिकॉज इफ एफ इज कॉन्स्टेंट एफ इज कॉन्स्टेंट फंक्शन इसका मतलब तो यह हो गया कि f डैश ऑफ x हमेशा के लिए जीरो हो गया फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r है ना हाँ क्योंकि जो फंक्शन है वो ट्वाइस डिफरेंशियबल है ऑन होल ऑफ r तो ये फंक्शन कैसा हो गया डिफरेंशियबल हो गया ऑन होल ऑफ r तो यहां से जब ये डिफरेंशियबल हो गया ऑन कॉन्स्टेंट हो गया ऑन होल ऑफ आर तो मैं कह सकता हूं एफ डैश जीरो भी जीरो होगा और एफ डैश जीरो जीरो होगा तो इसका मतलब एफ डैश जीरो का स्क्वायर प्लस एफ एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर यह कितना होगा सर एट्टी फाइव दे रखा है हमें तो इसका मतलब एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर कितना है सर वो हो गया आएगा एट्टी फाइव जो कि पॉसिबल नहीं है क्यों क्योंकि एफ जीरो क्या है सर ये है इसकी कोडोमेन तो एफ जीरो की जो वैल्यू आएगी वो माइनस टू से टू के बीच में ही आएगी तो मैक्सिमम वैल्यू एफ जीरो की F2 की, F0 की कितनी आ सकती है तो एफ जीरो का स्क्वायर बिकॉज उसका कारण क्या है बिकॉज एफ जीरो का स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू हद से हद अगर हो सकता है वो

जो पहला पार्ट लिखा है देयर एग्जिस्ट आर एंड एस बिलोंगिंग टू आर वेर आर इज लेस देन एस एफ इज वन वन ऑन ओपन इंटरवल आर टू एस ये पार्ट बिल्कुल सही हो गया क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट नहीं है कंटिन्यूअस है इसलिए कहीं ना कहीं पर अपनी डोमेन में वो बढ़ेगा या फिर कहीं ना कहीं कही पर घटेगा तो जब ऐसा फंक्शन हो कंटिन्यूअस हो अपनी पूरी डोमेन में ट्वाइस डिफरेंशियबल हो तो डेफिनेटली ऐसा फंक्शन अगर कॉन्स्टेंट नहीं है तो डेफिनेटली इट इनक्रीजेस और डिक्रीजेस डेफिनेटली इन सम पार्ट ऑफ द डोमेन और उस डोमेन में उस पार्ट में वो कैसा हो जाएगा 1 1 हो जाएगा फिर लिखा है देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट इन -4 से 0 सो दैट मोड ऑफ fx नॉट इज लेस देन 1 तो -4 से 0 के बीच में बताना है -4 से 0 के बीच में तो ये तो हो गया हमारा ए पार्ट सही हो गया अब बी पार्ट पर आते हैं लेट अस कम डाउन टू बी पार्ट बी पार्ट भी इधर ही देख लेते हैं यार बी पार्ट में मुझे एफ एक्स डैश एफ डैश की का मॉड्यस लेस टू वन प्रूफ करना है तो मैं कंसिडर कर लेता हूं एफ एक्स को क्योंकि जब इंटरवल की बात की गई कंसिडर एफ एक्स वाईल किस इंटरवल पर ऑन क्लोज माइनस फोर से जीरो तो इसमें मैं कह सकता हूं एल एम टी एप्लीकेबल हाँ क्यों एमवीटी क्यों एप्लीकेबल क्योंकि ये फंक्शन कंटीन्यूअस भी है क्लोज्ड इंटरवल में और डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल में -4 से 0 क्योंकि ये फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल दे रखा है है ना तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट नॉट बिलोंगिंग टू -4 से 0 सच दैट f डैश ऑफ नॉट यह बराबर होगा f ऑफ 0 f ऑफ 0 f ऑफ -4 अपॉन जीरो माइनस माइनस फोर तो एफ डैश ऑफ एक्स नॉट बराबर हो गया एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ माइनस फोर अपॉन फोर अब हमें तो यहां पर यहां क्या लगा मॉड एफ डैश एक्स नॉट तो मॉड लगा ले दोनों साइड पर मॉड एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू इज इक्वल टू वॉट इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स एफ ऑफ जीरो माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ माइनस फोर डिवाइड बाय फोर यह आ गया अब जैसे यहां तक आए मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स नॉट द होल मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ माइनस फोर डिवाइडेड बाय फोर एंड दिस विल बी लेस दैन इक्वल टू मॉड ऑफ एफ नॉट मॉड ऑफ एफ जीरो प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ माइनस फोर माइनस फोर अपॉन फोर यहाँ हमने यूज किया ट्राइंगल इनिक्वालिटी एक्स प्लस वाई का होल मॉड हमेशा छोटा होता है एक्स प्लस वाई हो या एक्स माइनस वाई हो दोनों ही सूरत में मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई दोनों में से कुछ भी हो दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई है ना ये पता ही है हमें मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस या तो प्लस हो या फिर माइनस हो दोनों स्थिति में लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई दट इज वॉट वी हैव कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव तो यहाँ पर जो मेरे पास माइनस लगा है तो आप समझ गए कि तो फिलहाल ये छोटा है हाँ अब हमें तो प्रूव करना है ये वैल्यू हमेशा एक से छोटी है कि कोई ना कोई एक्स नॉट ऐसा मिलेगा जहां पर मॉड ऑफ एफ एक्स नॉट की वैल्यू जीरो होगी वन से छोटी होगी तो दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू वन से छोटी होगी अब एक चीज और देखो एफ जीरो माइनस टू से टू है क्यों क्योंकि कोडोमेन माइनस टू से टू है बिकॉज द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज फ्रॉम माइनस टू से टू तो डेफिनेटली जो आउटपुट आएगा वो माइनस टू से टू आएगा तो so, इसी तरह से एफ फोर एफ ऑफ माइनस फोर भी इसी रेंज के अंदर अंदर होगा ये दोनों के दोनों इसी रेंज के अंदर अंदर होंगे ना? So, value, F0, of of है ना तो इनके मॉडुलस की वैल्यू मॉड ऑफ एफ जीरो और मॉड ऑफ एफ ऑफ माइनस फोर यह खुद जीरो से लेकर टू के बीच में होंगे है ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू टू होगी दोनों की तो लेस देन इक्वल टू टू प्लस टू अपॉन फोर दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है टू तक जा सकती है तो डेफिनेटली दिस विल बी टू प्लस टू अपॉन फोर यानी टू हाउ मच इज लेस देन इक्वल टू वन फॉर सम एक्स नॉट और सम एक्स नॉट जो कहाँ मिलेगा सर जीरो से माइनस फोर से जीरो के बीच में तो इसका मतलब जो सेकेंड पार्ट था वह वाला पार्ट भी अपना सही हो गया ठीक है ना सो सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो करेक्ट अब थर्ड पार्ट पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू तो इन्फिनिटी एफ एक एक्स वन होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिट देखो इसमें हमें सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन की मैंने फंक्शन के बारे में कि F0 का स्क्वायर प्लस एफ डैश जीरो का स्क्वायर एटी फाइव है बस खत्म और एफ ट्वाइस डिफ्रेंशियबल है और कुछ नहीं दे रखा तो अगर मैं यहां पर एलकाटा पार्ट अगर देखूं मुझे दे रखा एफ जीरो का स्क्वायर और प्लस एफ डैश जीरो का स्क्वाज इक्वल टू वन इसको देखकर अगर देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉ स्क्टा वन होता है ट्वाइस डिफ्रेंशियबल भी है तो इक्वल टू दे फाइव सॉरी 85 फाइव इज गिवन टू नॉट टू बी वन गिवन टू बी एटी फाइव यार अगर ये वन होता तो साइन और कॉस मान लेता मैं है ना 85 फाइव लिखा है तो अगर मैं एफ एक्स को ले लू कितना साइन ऑफ रूट एट्टी फाइव एक्स जरा देखो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा सर एफ डैश एक्स आ जाएगा कॉस ऑफ रूट एट्टी फाइव एक्स हाँ, तो एफ जीरो का स्क्वायर प्लस एफ डैश जीरो का स्क्वायर जरा देखो भाई कितना आ जाता है सर ये आ जाता है साइन जीरो दैट इज जीरो जीरो सर इंटू रूट एटी फाइव भी तो आएगा हाँ वो भूल गए रूट एटी फाइव दैट वुड बी द डेरिवेटिव क्योंकि पहले साइन का हुआ फिर रूट एटी फाइव एक्स का हुआ यानी ये पूरा ऐसे है रूट एटी फाइव एक्स का हुआ तो ये आ गया दैट इज द डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा 85 एटी फाइव इंटू कॉस जीरो फंक्शन डेफिनेटली फंक्शन जो हमने देखा ये फंक्शन इस गिवन फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और वो कह रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पर एफ की वैल्यू इंफिनिटी जानी चाहिए इन्फिनिटी जानी चाहिए क्या लिखा है द वैल्यू शुड टेंड टू इन्फिनिटी वन शुड टेंड टू वन ये लिखा है द वैल्यू शुड टेंड टू वन इन्फिनिटी पर इस फंक्शन की वैल्यू वन की तरफ टेंड करनी चाहिए क्या यह सही है या गलत है यह चेक करना है तो हमने एक ऐसा फंक्शन प्रोड्यूस कर लिया जो इस गिवन फंक्शन की सारी कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है अब अगर मैं कहता हूं सी पार्ट ट्रू है तो इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले सभी फंक्शंस के लिए यह बात सत्य होनी चाहिए अगर सी ट्रू है तो यानी जो भी फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इंफिनिटी पर उसकी लिमिट वन जानी चाहिए लेकिन जो हमारा फंक्शन है बट लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन ऑफ साइन रूट जाती इनफैक्ट इसके आस पड़ोस में तो ये ऑक्सीटरी होगा क्योंकि मैं को रख दूंगा। जैसे मैंने यहाँ का लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो फंक्शन इनिटी ऑफिस जीरो पर तो यानी ये ऑसिलेटरी रहेगा इसकी एक्जिस्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब जो सी पार्ट था वो गलत हो गया क्योंकि अगर ये सी पार्ट ट्रू था तो ये सब फंक्शंस जो इसकोफाई करते हैं उनके लिए ट्रू होना चाहिए फिर डी पार्ट है माइनस अल्फा माइनस फोर से फोर के बीच में देर एग्जिस्ट समोर से फोर सैट एफ ऑफ अल्फा एफ डबल डैश ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो यानी डी पार्ट में वो कह रहा है कि एक अल्फा मिलना चाहिए माइनस फोर से फोर के बीच में तो डी पार्ट हमें शो करना है मतलब अगर सही है तो देर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंगिंग टू माइनस फोर से फोर सच दैट एफ एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा इज इक्वल टू जीरो इज़ इक्वल टू जीरो और एफ डैश अल्फा एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा इक्वल टू जीरो एंड एफ डैश अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो यानी ये अगर यानी हमें शो करना अगर शो क्या एक तरीके से हमें चेक करना है कि हमें ऐसा मिल सकता है अल्फा या नहीं मिल सकता जहां एफ डैश अल्फा जीरो ना हो ठीक है तो अगर मैं इस फंक्शन को देखू और यहां थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाऊ इधर तो आप देखो कि अगर मैं इसमें दोनों साइड एफ डैश अल्फा से मल्टीप्लाई कर लू तो एफ डैश अल्फा इंटू एफ अल्फा फिर प्लस एफ डैश अल्फा इंटू एफ डबल डैश अल्फा मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया एफ डैश अल्फा से और साथ में टू से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी टू आ जाएगा और यहाँ भी टू आ जाएगा और अगर देखा जाए नाउ दिस बिकम्स अ डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश अल्फा का होल प्लस एफ नहीं ये तो बन गया एफ अल्फा का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव है ना एफ अल्फा का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव और प्लस एफ डैश अल्फा का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो और अल्फा के रिस्पेक्ट में है ना इज इक्वल टू जीरो एक तरीके से मुझे शो करना है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव अल्फा पर किस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मैं एक फंक्शन कंसिडर कर लू जी एक्स और उस फंक्शन को क्या ले लू एफ अल्फा का स्क्वायर एफ एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश एक्स का एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर तो मुझे एक तरीके से शो करना है कि इसका डेरिवेटिव किसी ना किसी अल्फा पर जीरो है तो so, एक तरीके से मतलब मुझे चेक करना है टू चेक इफ टू चेक इफ जी डैश इफ जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर सम्फा बिलोंगिंग टू माइनस फोर से फोर और एफ डैश ऑफ अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो यानी एक तरीके से मुझे यह चेक करना है क्या ऐसा है कि जी डैश एक्स अब मैं जानता हूं जी कैसा फंक्शन है सर कंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस क्यों है कंटिन्यूअस है और डिफरेंशियबल भी है क्योंकि एफ एक्स वाइस डिफरेंशियबल है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है डिफरेंशियबल भी और मैं जानता हूं जहां पर जी डैश जीरो होता है वो उसका क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं यानी यहाँ तो वहाँ मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा या फिर हो सकता है दोनों में से कुछ भी ना हो तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जी एक्स के जहाँ जी डैश जीरो होगा ठीक है तो जी डैश जीरो हमें देखना कि हो सकता है या नहीं हो सकता माइनस फोर से फोर के बीच में तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ये प्रूव किया था कि माइनस फोर से जीरो के बीच में एक नॉट जरूर ऐसा मिल रहा है जहां मॉड ऑफ एफ एक्स नॉट वन से छोटा है है ना तो इसका कुछ फायदा उठा सकते हैं यहाँ पर यहां पर अगर हम इसका फायदा उठाने की सोचें तो मेरे पास एक एक्सनॉट है जहां एफ डैश एक्स नॉट का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू वन है फॉर बिलोंगिंग टू जीरो से माइनस फोर से 0. है ना हाँ या फिर यूं कहूं एफ डैश ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर छोटा है वन से छोटा है, है वन से दोनों साइड नॉन नेगेटिव स्क्वांग कर सकते हैं असल में हम क्या सोच रहे हैं कि जी एक्स मिल जाए कि नहीं दो पॉइंट्स पर तब ताकि हम बीच में कुछ देख सकें तो एफ डैश ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू वन से छोटी है और साथ में एफ ऑफ एक्स नॉट ऑल्सो एफ ऑफ एक्स नॉट ऑल्सो एफ ऑफ एक्स नॉट पक्का वो कहाँ से कहाँ तक है सर वो माइनस टू से टू है तो एफ ऑफ एक्स नॉट का मॉड भी टू से कम होगा है ना वो भी टू से कम होगा मॉड ऑफ एफ एक्स नॉट एफ एक्स नॉट कहाँ से कहाँ तक है सर एफ एफ एक्स नॉट है माइनस टू से टू के बीच में क्योंकि रेंज क्या है सर कोडोमेन क्या है माइनस टू से टू तो एफ एक्स नॉट का जो वैल्यू वो भी माइनस टू से टू के बीच में है तो अगर मैंने मॉड लगा दिया तो ये वैल्यू डेफिनेटली टू से छोटा होगा तो अगर मैं इसमें भी स्क्रिंग कर दूं तो यहां से आ जाएगा एफ एक्स नॉट का स्क्वायर एफ एक्स नॉट का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू फोर तो और अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो एफ ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर है ना ये वैल्यू पक्का फाइव से कम होगी ये वैल्यू पक्का फाइव से कम होगी सो दिस वैल्यू विल बी सर्टेनली लेस देन फाइव This value will be certainly less than 5. लेकिन यह एक्स नॉट हमें कहा मिल रहा है माइनस फोर से जीरो के बीच में स्क्वायर तो यह वैल्यू पक्का पांच से कम है यानी मैं कह सकता हूं जी ऑफ एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू फाइव अच्छा जैसे मैंने अभी एफ एक्स नॉट लेस देन वन प्रूव किया था कहां पर Uh, हमने एल लगाया था माइनस फोर से ज़ीरो के बीच में तो अगर मैं एल लगा दूँ जीरो से फोर के बीच में मेरे ख्याल से फिर से हमें एक एक्स मिल सकता है एल लगाया था माइनस फोर से ज़ीरो और वहाँ से हमें मिला था तो इसी तरीके से मेरे ख्याल से एक पॉइंट हमें और मिल सकता है एक पॉइंट हमें और मिल सकता है यानी सिमिलरली देर एग्जिस्ट एक्स वन कहाँ से कहाँ तक एक्स वन इन ज़ीरो से फोर इन ज़ीरो से फोर सच दैट एफ डैश ऑफ एक्स वन का लेस देन इक्वल टू वन होगा बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल वैसे ही कैसे आप अगर X1, मैं यहां करके बता देता हूं कई लोग सोच रहे होंगे कैसे आएगा तो आप खुद देख सकते हैं आपको समझ में आ गया होगा कई लोगों को तो, तो अगर मैं वाईक्वल टू एफ एक्स कंसिडर करता हूं ऑन जीरो से फोर ऑन जीरो से फोर तो फिर से मैं कह सकता हूं एल एम बी टी एप्लीकेबल तो मुझे जी की वैल्यू दो जगह मिल जाएगी है ना एल एम बी टी एप्लीकेबल एंड दिस दिस एम्प्लाइज देर एग्जिस्ट एक्स वन बिलोंगिंग टू जीरो से सच दैट फोरफ एक्स वन यह बराबर होगा एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ अपॉन फोर अपॉन फोर के इसके बराबर होगा है ना तो एफ डैश ऑफ एक्स वन का मॉड्यूल यह छोटा यह बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ एफ फोर माइनस एफ जीरो

लेस देन इक्वल टू वन है तो बिल्कुल ऐसी चीज हम रिपीट कर सकते हैं एफ डैश एक्स वन का मॉड वन से छोटा है और एफ डैश एक्स वन का स्क्वायर वो भी वन से छोटा हो जाएगा और मॉड ऑफ एफ एक्स वन वो टू से कम होगा तो बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट हम किसके लिए लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स वन तो दिस इंप्लाइज जी ऑफ एक्स नॉट पांच से छोटा है एंड जी ऑफ एक्स वन भी पांच से छोटा है जी ऑफ एक्स वन भी पांच से छोटा होगा बिल्कुल वही तरीके से यहां ध्यान रखिएगा एक्स नॉट कहाँ है माइनस फोर से जीरो और एक्स वन कहाँ है जीरो से फाइव यानी अब हम यह कह सकते हैं कि और जी ऑफ जीरो भी हमें पता है पता है जी ऑफ जीरो कितना है सर जी ऑफ जीरो हाँ जी ऑफ जीरो अगर देखा जाए ये तो एफ जीरो का स्क्वायर एफ डैश जीरो का स्क्वायर तो जी जीरो भी हमें पता है कितना है सर वो हमें दे रखा है एट्टी फाइव वो हमें दे रखा है 85 जरा अच्छे से देखो जी ऑफ जीरो भी हमें गिवन है जी ऑफ जीरो क्या है एफ जीरो का स्क्वायर एफ डैश जीरो का स्क्वायर और वो 85 आ गया तो अब हमें कुल मिलाकर कुछ ऐसा पता है कि हमारे पास एक एक्स नॉट है जो कि माइनस फोर से जीरो के बीच में है और एक एक्स वन है जो जीरो से फोर के बीच में है और एक्स नॉट पर और एक्स वन पर दोनों पर वह जो वैल्यू है जी की वो पांच से छोटी है वो पांच से छोटी है तो अगर मैं जी एक्स को कंसिडर करता हूं कंसिडर जी एक्स कंसिडर जी एक्स इक्वल टू जी एक्स किस इंटरवल पर ऑन एक्स वन एक्स नॉट से एक्स वन ऑन एक्स नॉट से एक्स वन तो मैं कह सकता हूं कि जी एक्स जो था मेरे पास वो क्या था एफ एक्स का स्क्त प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वा मैंने फंक्शन किया है ऑन ऑन एक्स वन इस इंटरवल पर यह फंक्शन पक्का कैसा है कंटिन्यूस है कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज एक्स नॉट से एक्स वन क्योंकि हमें एफ जो दे रखा है द फंक्शन एफ दैट इज गिवेन टू अस इज ट्वाइस डिफरेंशियबल फंक्शन इज ट्वाइस डिफरेंशियबल फंक्शन ऑन आर ये फंक्शन क्या है डिफरेंशियबल है पूरे आर पर दिस इज ट्वाइस डिफरेंट इज ये फंक्शन पूरा का पूरा है, पूरे के पूरे आर पर है ना तो ट्वाइस डिफरेंशियबल है तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो ये एफ एक्स का है, यहां पर जो ये एफ एक्स का स्क्वायर है यह, है है, यह है भी कंटिन्यूस है तो ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया और हमने थियोरम एक थियोरम पढ़ी थी बाय एक्सट्रीम वैल्यू थोरम बाय एक्सट्रीम वैल्यू थियोरम हम क्या कह सकते हैं बाय एक्सट्रीम वैल्यू थियोरम देअर एग्जिस्ट देअर एक्जिस्ट सम द फंक्शन ये कह सकते हैं एक्सट्रीम वैल्यू थियोरम से द फंक्शन जी एक्स टेक्स इट्स ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ये थ्योरम क्या थी अगर कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए टू बी में तो वह फंक्शन अपनी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यूज इंटरवल में कहीं ना कहीं पर जरूर ना जरूर अचीव करेगा बाई एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम द फंक्शन जी एक्स टेक्स इट्स ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू एट सम पॉइंट ऑफ इंटरवल एंड लीस्ट वैल्यू एट सम एक्स वन एक्स नॉट से एक्स वन यानी इस इंटरवल पे कहीं ना कहीं अपनी ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू जरूर अचीव करेगा एक चीज ध्यान रखना कि जी कंटिन्यूअस है और साथ साथ डिफ्रेंशियबल भी है वैसे देखा जाए तो तो यहां हम कह सकते हैं क्लियरली एक चीज तो साफ है क्लियरली ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ जी अकर्स एट ऑफ जी एक्स एट सम इंटीरियर पॉइंट अकर्स एट सम अल्फा बिलोंगिंग टू ओपन एक्स वन एक्स नॉट से एक्स वन यानी वो एक्स नॉट और एक्स वन पर तो नहीं हो सकती ग्रेटेस्ट वैल्यू क्यों क्योंकि जी ऑफ एक्स नॉट और एक्स वन दोनों की दोनों वैल्यू पांच से छोटी है और जी जीरो एट्टी फाइव है तो डेफिनेट सी बात है जो ग्रेटेस्ट वैल्यू की वो एट्टी फाइव से बड़ी या एट्टी फाइव के बराबर तो होगी क्योंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब सारी सब पूरे के पूरे क्लोज इंटरवल एक्स नॉट वन में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी तो सबसे बड़ी वैल्यू भैया एक्स नॉट पे भी नहीं हो सकती बीच में कहीं होगी किसी किसी ना किसी अल्फा पर और वो वैल्यू है ना क्लियरली ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ अकर्स एट सम अल्फा एंड जी अल्फा जो होगा वो पक्का एट्टी फाइव से बड़ा होगा या बराबर होगा है ना क्योंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू है भाई जी जीरो पर एट्टी फाइव है तो उससे बड़ी है उसके बराबर होगी हद से हद है ना तो नाव जी डेरिवेबल भी है नाव जी इज डेरिवेबल डिफरेंशियबल है डिफरेंशियबल इक्वल टू अल्फा तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी इसे कहते हैं फरमास थ्योरम वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है किसी पॉइंट पर और किस उस पॉइंट पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो जी डैश अल्फा जीरो होना चाहिए उस पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होनी चाहिए सो so, इफ जी हैज मैक्सिमम वैल्यू एट समय एक्स इक्वल टू अल्फा एंड जी डेरिवेबल एट अल्फा तो उसके डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होनी चाहिए या फिर आप यूं कह लो क्योंकि अल्फा पर मैक्सिमम है तो डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए भले ही आपको थियोरम का नाम ना मालूम हो लेकिन उसे फरमास थियरम कहते हैं कि उस पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए तो जी डैश ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो जी डैश अल्फा कितना आएगा भाई सर जी डैश अल्फा आएगा हाँ सर हमें यही तो प्रूफ करना था हमें एक तरीके से यही तो चाहिए था कि हमें चेक करना था जी डैश एक्स इक्वल टू जीरो है फॉर सम अल्फाइन माइनस फोर से फोर हाँ ये तो मिल गया भाई हमें जी डैश ऑफ अल्फा का मतलब हुआ टू एफ अल्फा इन टू एफ डैश अल्फा फिर प्लस टू एफ डैश अल्फा इन टू एफ डबल डैश अल्फा इक्वल टू जीरो और अल्फा कहा मिल रहा है एफ अल्फा एफ डबल डैश अल्फा इन टू एफ अल्फा इन टू एफ डैश अल्फा इक्वल टू जीरो कहाँ है एक्स टू लेकिन हमें साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा एफ डैश अल्फा जीरो नहीं है ना हाँ क्लियरली एफ डैश अल्फा जीरो नहीं हो सकता क्यों

तो ऑफ़ अल्फा कितना आ गया सर जी ऑफ़ अल्फा आ गया एफ अल्फा का स्क्वायर एफ अल्फा का स्क्वायर और यह बड़ा है किससे 85 से एफ ऑफ अल्फा एफ अल्फा किससे बड़ा है सर एफ ऑफ अल्फा तो बड़ा है ऑफ़ अल्फा बड़ा है 85 से तो एफ अल्फा का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा 85 से लेकिन बट एफ अल्फा तो एफ अल्फा के स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सर फोर है ना लेस देन इक्वल टू फोर क्योंकि कोडोमेन माइनस टू से टू है तो एफ अल्फा की वैल्यू जो होगी वो माइनस टू से टू के बीच में होगी तो उसका स्क्वायर मैक्सिमम फोर तक जा सकता है इसका मतलब F अल्फा जीरो नहीं हो सकता तो इसलिए हम फ्रॉम वन क्या कह सकते हैं फ्रॉम वन फ्रॉम वन आई कैन से दैट एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश ऑफ अल्फा Equal टू जीरो फॉर सम अल्फा फॉर सम अल्फा बिलोंगिंग टू कहां से कहां तक माइनस फोर से फोर तो हाँ, यह खुद किसका सबसेट है माइनस फोर से फोर का इट इज सबसेट ऑफ माइनस फोर से फोर तो आई कैन से फॉर सम अल्फा दैट इज फॉर सम अल्फा इन माइनस फोर से फोर ये ट्रू हो गया तो so,

आपने उम्मीद मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगा कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व किया होगा और इसकी लर्निंग्स को दिमाग में कैद कर लिया होगा जैसा मैंने लेक्चर की शुरुआत में कहा था तो मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए जय श्री कृष्ण राधे राधे थैंक यू एंड बाय